الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله, we are live once again. الحمد لله, today is the urs of one of the greatest scholars of recent times, Shah Ahmad Nurani Siddiqui. الحمد لله, done a great work for the Ahl Sunnah wal Jamaat and the Maslak of Imam Ahl Sunnah. With us, alhamdulillah, we'll be joined by many guests. With us now, alhamdulillah, we've got Hazrat Allama Maulana Ayub Chishti Sahib, and with them, Mufti Aslam Bandialwi Sahib. So, inshallah, I'd like to welcome them and thank them for their time. And also, Mufti Abdul Nabi Hamidi Sahib will be joining us shortly, as well as Maulana Nizamuddin Misbahi and Allama Sahib from Holland also. And to conclude, inshallah, we'll have Hujjat al-Islam, P. Sayyid Irfan Shah Sahib Mashadi, inshallah. So everyone will give their various experiences with Shah Sahib, with Shah Manurani Sahib, sorry, and you know, lessons that we can learn from their life and their struggle. So inshallah, without further delay, inshallah, I'd like to pass over to Allama Ayub Sahib, who, alhamdulillah, spend many time, much time with Shah Manurani Sahib, and inshallah, if they can, in Urdu language, give a brief introduction, and inshallah, hopefully we'll add Mufti Abdul Nabi Hafidhi Sahib when they arrive, and inshallah, any further discussion. Ji Alam Sahib. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Wa'alaf a'uzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا सबसे पहले मैं अपने इल्म सिटी के तमाम नौजवानों ने अहले सुन्नत को हदीया तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने आज आलमी मुबल्लिग इस्लाम, तफीर इस्लाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा इमाम अश्शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी याद में अहले सुन्नत व जमात के मुख्तर उलमाए इकराम के दावत उनको दावत देकर उलमाए इकराम के उन बुजुर्गों का एक एक जमात उन बुजुर्गों की आज उसको दावत दी जो अहले सुन्नत व जमात की रहनुमाई और अहले सुन्नत व जमात की क़यादत करते हुए इल्म के भी और कायदाना सलाहियतों के भी बहुत ही चमकते दमकते सितारे हैं, बल्कि आज जिनकी बात कर रहे हैं उनके साथ जिन जिन का भी ताल्लुक उस वक़्त था या आज तक भी है, वो दीन इस्लाम की तरवीजो इशात और पैगाम हक को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीनारा नूर साबित हो रहे हैं। तो मैं आज की इस मुबारक तकरीब में हमारे जो अकाबिर उलमाए किराम आज हमारे पास तशरीफ फरमा हैं, मैं उन सब को खुश आमदेद कहता हूं और मैं उनका नाम लेकर
तारफ भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उस तारफ के बाद इंशाअल्लाह अजीज हम इन उलमा जो अकाबरीन हमारे उलमा हैं उन सब की हम गुफ्तगू भी सुनेंगे और कायदे मिल्लत इस्लामिया की जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों को भी उजागर फरमाएंगे हमारे उलमा इकराम कि आपने किस अंदाज में मुसलमानों की क़यादत करते हुए दुनिया भर में इस पैगाम हक को पहुंचाया। आज इल्म सिटी के प्लेटफॉर्म पर जो हमारे साथ अहले सुन्नत व जमात के अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं उनमें जनाब मोहतरमुल मकाम अहले सुन्नत की जान और इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम अहमद रदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक के तर्जुमान हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकात मुलालिया वल कुदसिया तशरीफ फरमा होंगे और हमारे दूसरे मेहमान मोहतरमुल मकाम जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल नबी हुमैदी साउथ अफ्रीका से आप भी हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं और हॉलैंड से हजरत अल्लामा शफीकुर रहमान साहब मुद्दज़िल्लुल आली वो हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं और उसके अलावा हजरत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब मिसबाही जो यहाँ यूके में बड़े सरगर्म हैं अहले सुन्नत व जमात के तमाम नौजवानों के लिए कोशिश फरमा रहे हैं कि उन तक पैगाम हक और मसले के हक जो है वो पहुँचाया जाए और उनको इस इनके तारुफ पेश किया जाए। और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सफीर इस्लाम सदर सुन्नी उलमा मुशाह काउंसिल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असलम खान साहब नक्शबंदी मुद्दज़िल्लुल आली। मैं इन दीगर जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा हैं और ये नौजवान इल्म सिटी के तशरीफ फरमा हैं इन तमाम को आज के इस प्रोग्राम में दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदैद कहता हूँ। और मैं हमारे सामने अभी जो मेरे सामने तशरीफ फरमा हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत आपकी जो खिदमत हैं खास तौर पर अहले सुन्नत के लिए और आम तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए क्योंकि आप जो हैं वो ऐसे लीडर नहीं थे कि किसी एक ही मसलक को आप रिप्रेजेंट कर रहे हों और उसकी क़यादत कर रहे हों बल्कि तमाम दुनिया ने इस बात को माना उनकी ज़िंदगी में कि आपको अल्लाह ताला ने मिल्लत इस्लाम की क़यादत की सलाहियतों से सरफराज फरमाया है लिहाजा आप जो हैं वो कायदे मिल्लत इस्लामिया के नाम से जाने जाते हैं। आपकी जो दीनी खिदमात हैं और आपकी उम्मत मुसलमान के लिए जो खिदमात हैं अगर हम गिनना शुरू करें तो गिन तो नहीं सकते और ना ही उनकी खिदमात ऐसी हैं जो फरामोश की जा सकें नाकाबिल फरामोश आपकी खिदमात हैं। ये और बात है कि अहले सुन्नत व जमात जो हैं अवाम अहले सुन्नत उनके अंदर थोड़ी सुस्ती और कमी कोताही रही है कि अपने अकाबरीन की ऐसी कदर नहीं कर सके जिस तरह के जिस शान के वो मालिक थे। अलबत्ता फिर भी उन्होंने तने तनहा होकर भी और जे यूपी में रहकर भी और उलमाए अहले सुन्नत में रहकर भी ऐसी खिदमात सर अंजाम दी हैं जो आप गौर कर कर तमाम जितनी भी जमातें हैं उनके सरबराहान को देख लीजिए
किसी भी शख्स की ऐसी खिदमत आपको नजर नहीं आएंगी, बल्कि हर जगह पर आपको ऐसी चीजें नजर आएंगी कि वो लोग जो हैं वो किसी न किसी जगह पर पहुंचकर शर्मिंदा हो जाते हैं, और ना भी हों तब भी उनकी वो जो आदात व खसाइल हैं उसमें जो कमी कोताही है वो इस तरह रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि पूरी दुनिया उनको जानती है और जान चुकी है। और हमारे ये जो कायद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियतें अता फरमाई, ऐसी सदाकत अता फरमाई और ऐसी शुजात अता फरमाई कि किसी को आज तक खड़े करने का मौका नहीं मिल सका। मैं हुजूर क़िबला मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप उनकी खिदमत पर कुछ रोशनी डालें, दीनी खिदमत पर रोशनी डालें। दीगर उलमा से मैं सवाल करूंगा उनकी सियासी जिंदगी पर भी रोशनी डालें, आप उनकी दीनी खिदमत के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। बहुत शुक्रिया और नवाजिश हजरत, आपने इस फ़कीर को दावत दी और इल्म सिटी के नौजवानान अहले सुन्नत जो गाहे बगाहे कोशिश करते रहते हैं कि सही इल्म दीन लोगों तक पहुँचे, सबका शुक्रिया। अल्लाह आप तमाम हजरात को जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। कायदे अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत क़िबला अशा अहमद नूरानी सिद्दीकी दामत बरकातहुमुल कुदसिया ज़माना तालिब इल्मी से हम लोग बहुत हजरत की ज़ात से वाबस्ता थे और हमेशा हजरत की ज़ात को अपना रोल मॉडल माना और रोल मॉडल ही समझा। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसे कहते हैं ना जुनून की हद तक हजरत की ज़ात से मोहब्बत थी और है। एक साल तो मैं रमजान शरीफ में कराची पहुंच गया। मैंने जाके हाजिरी दी, दस्त बोसी की, हजरत ने पूछा कौन है कहाँ से आए हैं, तो सारी तफसील मैंने बताई। फिर फरमाते हैं आप हाफिज हैं, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फरमाया मेरे घर पे तरावी पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। तो मैं फिर हजरत के घर पे मैंने तरावी पढ़ाई, आपके साहबजादगान अनस मियां और ओवैस मियां वो मेरे पीछे होते थे और बीच में फिर पर्दा होता था और पीछे खवातीन थी घर की जी। तो फिर हजरत ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि हर साल आपने यहीं आना है और यहीं तरावी पढ़ानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह 3 साल तक मैं बाकायदा हजरत के घर पे हाजिर होता रहा और फिर मैं फारिग हो गया, मैं साउथ अफ्रीका आ गया। तो हजरत की आमदोरफ्त तो अफ्रीका में थी, बहुत सारे मुल्कों में, साउथ अफ्रीका भी तशरीफ लाते थे जी जी। पाकिस्तान में तो हजरत के हम कई रंग देखते थे ना, कभी सियासी रंग तो कभी मजहबी रंग, और उनकी सियासत में भी मजहब ही था, सच्चाई थी बेशक। तो उस तरह के सियासतदान नहीं थे जैसे हमें देखने में नजर आते हैं, उनकी सियासत भी नूरानी सियासत थी बेशक। और फिर रमजान में चूंकि मैं हजरत के घर पे ही होता था तो जिना मस्जिद में हजरत तरावी पढ़ाते थे और मेमन मस्जिद जहां हजरत का घर था, कच्ची मेमन मस्जिद जी, मैं वहां पर मुझे आदमी का मौका मिला वहां जी, मुझे भी हजरत वहां पे हजरत जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां पे हजरत तहज्जुद में 2 कुरान खत्म किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रात भर तो यूं इबादत में गुजरती थी और फिर नमाज फजर के बाद भी आप वज़ाइफ में लगे रहते थे।
और फिर कई सारे लोग अहले सुन्नत के मदारस के कई सारे हजरात उलमा नाजमीन मोहतमिम हजरात वो कलेक्शन वगैरह के लिए आते थे, तो हजरत के बहुत सारे मुरीदीन वो हजरत के जरिए से अपने अतियात जो है ना मदारिस को देते थे। जी जी। तो फिर तकरीबन मुझे यूं लगता है कि 8-9 बजे तक तो हजरत मसरूफ ही रहते थे। बिल्कुल। और हजरत बेशक सुभान अल्लाह। मैं एक बात यहां करूं कि एक मरतबा मैं आपके साथ था तो एक साहब जो थे वो उस वक्त गालबन ये ढांगरी शरीफ में प्रोग्राम हुआ, तो जब वापस कमरे में आके बैठे तो एक शख्स ने सवाल किया कि हुजूर आपका आपके इदारे कितने हैं। आपने फरमाया कि भाई बहुत सारे इदारे हैं, कोई गिनकर थोड़े हमने रखे हैं, बहुत सारे इदारे हैं, तादाद बहुत है। तो कहा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके नाम से कोई हो। फरमाने लगे भाई आप अजीब बात कर रहे हैं, मैं तो ये सारे जितने भी अहले सुन्नत के इदारे जहां जहां भी हैं ये सब मैं समझता हूँ कि हमारे ही हैं, इसमें कोई तफरीक नहीं है कि फलां का है फलां का है, ये कोई तकसीम वाली बात मैं नहीं करता, ये सब हमारे हैं। ये आपने बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो चूंकि वहीं था और मैं ये देखा करता था। और फिर देखें 9 तकरीबन बज जाते थे। अब जाहिर है एक इंसान सारी रात नहीं सोया, 9 बजे के बाद सोए तो जोर से घंटा पहले तो उठना ही होता है ना, नहाना धोना है, जोर की नमाज पढ़नी है, और फिर जोर के बाद असर तक तकरीबन दौर हुफाज आते थे, साथ बैठते थे, दौर होता था जी। और फिर जोहर असर से मगरिब तक आप दलालुल खैरात शरीफ के बड़े पाबंद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी हजरत ने इजाजत दी, लिख कर दी, और फिर वो अपने वजायफ और पाबंदी और दुरूद शरीफ उसमें लगे रहते थे। तो रमजान में हम देखते थे कि उनके ऐसे अल्लाह ताला की इबादत में औकात गुजरते थे कि जिसकी मिसाल कहीं नजर नहीं आती थी। सुभान अल्लाह। और फिर जब वो साउथ अफ्रीका तशरीफ लाते थे तो मुझे खिदमत का मौका इसलिए ज्यादा मिलता था कि मैं पाकिस्तान से ही हजरत को जानता था। बेशक। दौरान तालिब इल्मी मेरी हाजिरी रहती थी तो उस हवाले से मैं करीब था और मुझे ज्यादा मौका मिलता था। फिर हजरत जब तक यहाँ होते तो मैं हजरत के साथ साथ ही होता। तो यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा कि हजरत ने किसी से कोई सियासी बात की हो, या कोई इंटरव्यू लेने आया हो सियासत के मामले में। नहीं, जब वो तबलीग पे हैं तो वो एक फकत मजहबी शख्सियत है। वो इस कदर अपनी जिंदगी को उन्होंने एक ऐसे जबरदस्त नज्म व जब्त में ढाला हुआ था कि जिस मौके पर जिस मकाम पर जो बात करनी है तो वहां वो बात करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा हुनर और एक बहुत बड़ी अकलमंदी होती है और हिकमत होती है जो सब लोगों के पास नहीं होती। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े हजरात साउथ अफ्रीका में तशरीफ लाते रहे हैं, लेकिन वो अमूमन जो होता है ना कि मुरीदीन है तो कभी इसके घर ब्रेकफास्ट हो रहा है, इसके घर लंच हो रहा है, उसके घर यू नो सफर हो रहा है और खिदमात हो रही हैं और ये हो रहा है, और उलमा को इकट्ठा करना, उनके साथ मुलाकातें करना, उनके मसाइल सुनना, उनके लिए लाहे अमल तैयार करना, ये कायदे आले सुन्नत में देखा मैंने। जब कभी तशरीफ लाते तो वो ये दावतों में नहीं होते थे और तोहफा नहीं कबूल करते थे। हालांकि तोहफा कबूल करना जायज है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मामला है, लेकिन जाहिर है बाज हजरात के कद ऐसे होते हैं कि उन्हें इससे एहतियात करना ही बेहतर होता है। बल्कि मैंने 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 खुद एक बार एक कलम पेश किया। मैंने कहा हजूर ये मुझे पता था कि मैं हजरत को गिफ्ट दूंगा तो हजरत लेंगे नहीं, तो मैंने कहा ये उवैस मियां के लिए ना ये तोहफा है। तो फरमाया जब आप जाएंगे तो खुद ही दे दीजिएगा। अपने लिए कबूल करना तो कुजा, अपने बेटे के लिए भी उन्होंने तोहफा कबूल नहीं किया। सुभान अल्लाह। और फिर हर शहर में जहां गए वहां उलमा को बुलाया,
उनके साथ बैठे, घंटों घंटों गुफ्तगु की, मसाइल सुने, मसाइल का हल पेश किया। वाकई वो जो एक ज़बरदस्त कायद और बड़े नेचुरल किस्म के कायद जो होते, उनकी तबीयत में ये चीज़ रच बस गई थी कि जहाँ उन्होंने जाना है सुन्नियत के फ़ायदे के लिए ही काम करना है, सोचना है, फिक्र करनी है, लोगों का जहन बनाना है, उनका जज्बा उभारना है। और आप यकीन करें कि ऐसा ज़बरदस्त सुन्नी कट्टर रज़वी मैंने उन्हें पाया, लोग कुछ भी कहें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजरत के साथ वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि हजूर कितने पाबंद थे और बाल बराबर भी मसलक के आला हजरत से न कभी हटने वाले थे और न कभी हटे थे। बेशक बेशक बिलाशुबा आपने हजरत आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और यकीनन आपने जो लम्हात उनके साथ गुजारे और जिंदगी के जितने औकात उनके साथ आपके गुजरे, आपने उनकी अदात व खसाइल से भी वाकफियत हासिल की और उनकी खिदमात भी, और फिर आपका जो जुहद और तकवा जिस तरह आप जिक्र फरमा रहे थे। हमारे एक दोस्त थे राजा ताहिर साहब, तो वो फरमाया करते थे कि हजरत को मैंने ये देखा कि जुहद और तकवा के एतबार से और उसके साथ साथ इबादात के एतबार से और कुरान पाक के खत्म करने के सिलसिला में रमजान शरीफ में इत्तेफाक हुआ कि आप पूरी रात सोते नहीं हैं, नमाज तरावी में कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर सलातुल लैल में पढ़ते हैं, फिर नमाज तहज्जुद में पढ़ते हैं, तो इस तरह रमजान शरीफ में 27वीं तक आप 3 कुरान पाक जो है वो खत्म फरमा लिया करते थे। सुभान, तो ये आपका एक बहुत बड़ा मकाम व मर्तबा है। जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे पास तो वो लफ्ज भी नहीं है कि हम उनकी जो अजमत है या उनकी जो शान है उसको बयान कर सकें। मैं अभी अलामा निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब की तरफ चलूंगा। अलामा निज़ामुद्दीन मिसबाही साहब मेरे सामने आए थे, तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जनाब आपकी भी ये एक आदत है कि आप शबीना, एक नूरानी शबीना भी हुआ करता था। जी 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 जी, फरमाइए, आप फरमाइए कुछ। जी किबला मुसाब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मौलाना निजामुद्दीन को, मौलाना निजामुद्दीन साहब को थोड़ा सा मौका दीजिए ताकि मैं थोड़ी सी उनसे भी बात कर लूं। मौलाना निजामुद्दीन साहब हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? मौलाना निजामुद्दीन साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, तो मैं अभी हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद असलम खान साहब की तरफ चलूंगा। जनाब किबला मुफ्ती मोहम्मद असलम खान साहब, आप जितना जानते हैं, जिस अंदाज से, जिस कदर हुजूर किबला हजरत कायद मिल्लत इस्लामी अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह को आप कुछ थोड़ा सा उस सिलसिला में कलाम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब सल्लि व सल्लम दायमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक आज के इस प्रोग्राम के शुरका मुक्तदर हज़राते उलमाए किराम, मशायख़े इज़ाम, और इस आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले ये इलम सिटी के जुमला रुफ़ा, और इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं पैकर इख़लास मोहब्बत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज मोहम्मद अयूब चिश्ती साहब दामत बरकातहु मिलालिया। मैं सभी को हदीयत तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ कि इमाम इनकलाब कायद मिल्लत इस्लामिया और मिल्लत इस्लामिया के हर महाज पर खूबसूरत अंदाज में पूरे वकार और पूरी जुर्रत ईमानी के साथ मिल्लत इस्लामिया का फरीजा सर अंजाम देने वाली अजीम अल मर्तबत शख्सियत, जो अपनी सीरत व किरदार के एतबार से भी और खुदादार सलाहियतों के एतबार से भी इस दौर में अपना सानी नहीं रखते थे,
कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया के जब रमजानुल मुबारक होता तो नमाज़े तरावीह में मुसल्ले पे जब कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते तो यूं लगता कि इनका असल शोभा यही है कि ये एक बेहतरीन हाफिज और कारी कुरान है। और जब इबलाग और तबलीग की मसनत पे आते तो गुफ्तगू का भी वो मलका कि जिस उन्वान पे भी वो कलाम करते तो यूं ही लगता कि शायद यही इनका असल शोभा और इसी से ये वाबस्ता है। और अगर कूचा सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान में शायद उन जैसा बाकिरदार, उन जैसा बाहिम्मत और उन जैसा उसूल पसंद और पाक बाज सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में वो अपना सारी नहीं रखते थे। क़याम पाकिस्तान के बाद जब आईने पाकिस्तान मुरतब हो रहा था तो बिलाशुबा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये उसका नाम लिखवाना और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पाकिस्तान का ये जो आईनी नाम है ये हजरत इमाम इनकलाब इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कावश और आप ही की मेहनत और आप ही की निशानदेही का नतीजा है। और फिर उसके बाद जब आईन मुरतब हो रहा था तो आईन की तरतीब में भी बुनियादी तौर पे इस चीज को कि कुरान का इस पाकिस्तान का जो आईन है उसमें सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगा और कुरान और सुन्नत के मनाफी पाकिस्तान में कोई भी कानून साजी नहीं हो सकेगी। और फिर इसी तरह एक फितना जो इनकार खत्म नबुव्वत के हवाला से था, जो एक तहरीक चल रही थी उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में इमाम इनकलाब इमाम इमाम अशा अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बुनियादी किरदार है। ये वो चीजें हैं जो सुबह कयामत तक मिल्लत इस्लामी है जिसपे फख्र करती रहेगी। तो सियासत के हवाला से जो हजरत मर्द मुजाहिद आपके दस्त बाजू जो सियासत में हम वक्त वो एक जोड़ी बनी गई और हर सुन्नी मुसलमान और हर पाकिस्तानी शख्स की जुबान पे ये होता कि हक व सदाकत की निशानी इमाम शाह अहमद नूरानी और मर्द हक मर्द गाजी खान न्याजी खान न्याजी। तो हजरत न्याजी साहब ये फरमाया करते जहां पगड़ी उछलती है इसे मैं खाना कहते हैं। तो पाकिस्तानी सियासत से बहुत सारे लोग आगाह हैं, उलमा भी मशाइख भी दीगर हजरात भी, कि वहां तो खेचा तानी और किरदार कुशी का वो आलम है कि अल अमान वल हफीज बड़े बड़े शराफा भी वहां जाकर अपनी शराफत की जो पगड़ियां हैं उनको तार तार करवा बैठते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल एहसान से इमाम अशा अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये एजाज और ये फख्र रहा है कि आज हम उनका नाम लेने वाले पूरे वसूक एतमाद से ये कह सकते हैं कि कूचा सियासत में जिंदगी बसर करने के बावजूद वो सीरत और किरदार के एतबार से उन पे कोई किसी को उंगली उठाने का कभी मौका नहीं मिला। और हर तहरीक में हर वो तहरीक जो मुल्क मिल्लत के तहफ्फुज के लिए होती, हर वो तहरीक जो इस्लाम के अहया के लिए होती या इस्लामी उमूर और मामलात में किसी तरह की कोई मुदाखलत होती तो वो कितना ही ताकतवर शख्स क्यों ना होता, हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी को परवरदिगार आलम ने वो जुर्रत अता फरमाई थी कि वो बड़े से बड़े जाबर के सामने बात करने की सलाहियत रखते, बात मनवाने की सलाहियत रखते, न सिर्फ बात करने की सलाहियत बात मनवाने की भी सलाहियत रखते थे अल्लाह के फजल और एहसान से। और बड़े बड़े जाबर लोग आप जानते हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में आते रहे हैं। और फिर वो जिस तरह लामा ने कहा कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, नज्म को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अभी मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे, लामा अयूब चिश्ती साहब ने भी जिक्र किया, दीगर बहुत सारे लोग ऐसे अभी मौजूद हैं जो हजरत नूरानी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजालस में बैठने वाले थे, जब अपनी मजलस में अपनों के साथ होते तो उन जैसा शफीक शख्स, उन जैसा खुलीक शख्स, उन जैसा नरम गो शख्स शायद इतना बड़ा आदमी जो है उसको नहीं देखा होगा। लेकिन जब इस्लाम की बात आती, पाकिस्तानियत की बात आती और मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की बात होती तो हजरत नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो जुर्रत और वो बेबाकाना गुफ्तगू
कि मजलस में बैठने वाले लोग समझते कि शायद इनमें इस कदर धीमा मिजाज रखने वाला शख्स जो आम अपनों की मजलस में बैठा है, धीमा मिजाज रखने वाला शख्स जो है वो इतनी जुर्रतमंदाना गुफ्तगू और इस अंदाज से वो करने की सलाहियत, और जिस तरह अभी लामा यूब साहब ने जिक्र किया कि वो कायदे मिल्लत इस्लामिया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कायदाना सलाहियतें जुबान बयान के एतबार से भी और फिर सलाहियतों के यानी उसके हवाले से जो एक नज्म होता है उसके हवाले से जो परवरदिगार ने हजरत नूरानी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता फरमाई, वो खाल खाल किसी का हिस्सा इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत पुश्ता इश्क रसूल फादर बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो कहा ना कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम संत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। अगर इस दौर में मैं ये कहूँ कि आला हजरत के इस शेर का मिसदाक कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम अशा अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे कि वो मसनद तदरीस में भी मुसल्ले इमामत पे भी ऊंचे सियासत में भी पार्लियामेंट में भी असम्बली के फ्लोर पर भी अवामी जलसों में भी ताला ने हर जगह पे मकबूलियत का बेहतरीन वो मकबूलियत का शर्फ अता फरमाया था। अब आखिर पे एक बात मैं और गुजारिश करूं कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हजरत हमारे वो 73 की असेंबली के बाद इस अंदाज से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के नुमाइंदगान असेंबली में इस अंदाज से नहीं पहुंचे, तो हमें चाहिए कि हम ऐसे 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 लोगों का इंतखाब करें। तो हजरत ने फरमाया करते कि हमारा मंशूर निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज है, लिहाजा मैं ये नहीं चाहता कि जो शख्स अपनी जात पे अपने घर में और अपने कुंबे कबीले और माहौल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का निजाम और आपकी सुन्नत को कायम करने वाला नहीं है, तो ऐसे ऐसे लोगों को जो पैसे के बलबोते पर या दीगर मुख्तलिफ ज़राए और किस तरह पाकिस्तानी सियासत में एक माहौल चलता है कि उस जोर पर उन लोगों को असेंबली में लाया जाए और फिर उनसे ये तवक्को रखी जाए कि ये निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज का मुजब बनेंगे, तो लिहाजा आपने एक इस्तिकामत के साथ अपना वो जो मिशन था जो मंशूर था उसको इस्तिकामत के साथ खूब निभाया। और फिर बात यही है कि हजरत नूरानी मियां दुनिया से जब गए तो दुनिया जानती है कि कौन शख्स था जिसकी आंखें नम नहीं थी, और हम जैसे बाद में आने वाले लोग तो मैं तो उस वक्त के बाद बहुत सारी चीजें जो ज़राए अबलाग ने बताई और हमारी आने वाली नई जो नई नस्ल है उनको तो ज़राए अबलाग और उनका लिटरेचर जो है उससे पता चला कि हजरत नूरानी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी बड़ी शख्सियत थे। अगरचे मुझे भी उनके साथ आपकी सोहबत में मुतअद्दद मर्तबा बैठने का शर्फ बैठने की सआदत और शर्फ नसीब हुआ है, चंद एक सफर में भी एक दो सफर भी ऐसे हुए हैं क्योंकि आजाद कश्मीर में उनका आना दिन हजरत पीर मातिकुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ तो मुतअद्दद मर्तबा ऐसा हुआ यहाँ मीरपुर में आजाद कश्मीर में तशरीफ लाते रहे। तो आज जरूरत इस बात की है कि इस किरदार को और आपकी जो मुख्तलिफ हवालों से जो आपकी खिदमात हैं बहुत सारे हजरात ने उस पर काम किया भी है, लेकिन ऐसी शख्सियात का किरदार आने वाली नस्लों के लिए मिशाल राह है, ये हजरात को कोशिश करनी चाहिए जिस कदर मुमकिन हो कि सियासी हवाले से मजहबी एतबार से उनकी जाती सीरत और किरदार कि उसको ऐसे खूबसूरत अंदाज में मुजतमे किया जाए ताकि आने वाली नस्लें अपने असलाफ पे फख्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत इस बात पे फख्र कर रहे हैं कि हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से बाद में आने वाले अहले सुन्नत हजरात को उलमा को मशाइख को कोई शर्मिंदगी हो, बल्कि अल्लाह के फजल से वो इस्तकामत के साथ पूरी जुर्रत के साथ जिस शोबे में भी काम किया खूबसूरत अंदाज में कर गए हैं, हमारे सर फख्र से बुलंद हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस अजीम मिशन को कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। ज्यादा लिया है तो तमाम शुरका से माजरत भी चाहता हूँ और ये
जो इलम सिटी है इसके तमाम रफका को अल्लामा चिश्ती साहब को हदीया तबरीक की तहसीन पेश करता हूँ। बुजुर्ग हजरात उलमाए किराम जो इसका हिस्सा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब के नुतको लिसान खिदमत खिदमत दीनिया और कुव्वत कोयाई में और बरकत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तशरीफ फरमा थे जनाब हजरत अलामा मुफ्ती मोहम्मद असलम खान साहब नक्शबंदी, और यकीन आपने उसी अंदाज से गुफ्तगू फरमाई जिस तरह किसी सरबराह को लीडर को गुफ्तगू करने का सलीका होता है या वही जो इनका अंदाज होता है, क्योंकि आप भी सदर हैं सुन्नी उलमा मुशायरा काउंसिल के, तो आपने भी बहुत ही उम्दा अंदाज से हजरत नूरानी मियां रहमतुल्लाह तआला की जिंदगी पर बड़े इख्तिसार के साथ बड़े जामे कलमात के साथ रोशनी डाली। जनाब हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन साहब मिसबाही मुद्दजिल अली नौजवान आलमे दीन, और इनकी भी एक आदत है और ये एक मैं समझता हूँ इनके अंदर बड़ी खूबी है, सिफत है, कि कोई बात सामने आ जाए तो जो होती है हक बात उसी वक्त वो कह देते हैं। तो जिस जिनकी आज हम तज़किरा करने बैठे हैं जिनके उर्से मुबारक के मौका पर, उनको भी यही कहा जाता है हक व सदाकत की निशानी शाह अहमद नूरानी, शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो आप जिस जुर्रत और बहादुरी और इस्तेकामत का मुजाहरा जिस जो आपने फरमाया है, उसमें एक छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में रखूं कि एक मौका आया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था और उस दौर में हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद हसीनुद्दीन शाह साहब मुद्दजिल अली, आपने सिक्स रोड पर जो एक बहुत बड़ा इदारा बनाया है, सुन्नत का बड़ा इदारा है आपका जो इदारा है उसमें गुलस्ताने बेरिया, उसमें ये हुआ कि वो जमीन उस वक्त ली गई थी और उस जमीन पर कुछ लोगों ने दूसरे मसालक के लोगों ने कब्जा कर लिया। तो जब अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह को इसकी इतला दी गई तो आप उसी वक्त फौरन बिला तखीर मुल्क के वजीर आजम के पास पहुंचे और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त वजीर आजम थे, तो आपने जाकर फरमाया जनाब भुट्टो साहब आपने दीनी मामलात में कब से मुदाखलत शुरू की है। उसने कहा जी भाई मुझे नहीं पता जनाब क्या बात हुई। तो वो भी जब आप बात करते थे तो वो भी उनके सामने बात करते हुए सोचता था कि मैंने क्या कहना है, और ये वो नहीं बल्कि सारे जितने भी सियासी लीडर हैं वो लर्ज जाते थे जब आपकी आप सामने आते। आपको अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत अता फरमाई और बड़ी जुर्रत अता फरमाई, और ये जुर्रत हर उस शख्स के पास होती है जो खुद सच्चा होता है और हक पर होता है। तो आपने कब से मुदाखलत शुरू की? उसने कहा जी मुझे पता नहीं क्या मामला हुआ। तो ये सरजमीन, ये जमीन जो है ये हमारा इदारा बन रहा है, हमारी जमीन है और इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया। तो वो कहने लगा जनाब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं वहां एसएचओ को फोन करता हूँ, उनको मैं रब्ता करता हूँ, वहां का जो इलाका मैं ये कहता हूँ हो जाएगा काम, आप फिक्र ना करें। आपने फरमाया नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं अभी आया हूं और ये काम अभी और इसी वक्त हो जाना चाहिए, जब तक नहीं होगा मैं नहीं जाऊं। इसी वक्त उसने कार्रवाई की और कार्रवाई करने के बाद जब वो जमीन जो है वो वापस मिल गई और वो कब्जा छोड़कर लोग भाग गए, तो फिर आपने कहा हाँ अब हो गया काम तो अब मैं जा रहा हूं। तो ये है उनकी जुर्रत बहादुरी। तो अल्लामा निजामुद्दीन मिसबाही मुद्दजिल अली की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप भी उनकी जिंदगी पर कुछ रोशनी डालिए जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी को और हज़रत अल्लामा अय्यूब साहब चिश्ती को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने आज इस्लाम के एक अजीम रहनुमा और हक़ व सदाकत के पैकर और जबल शामिख हजरत अल्लामा फहामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला की शख्सियत पर उनके उर्स के मौके पर एक अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह ताला आपको हम सबको इसकी जजा अता फरमाए। आमीन।
हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल नबी साहब ने और हमारे मुफ्ती साहब कबला ने बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई। मुझे चंद लम्हे मैनचेस्टर की सरजमीन पर जब मैं इस मुल्क में नया नया आया तो हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला के साथ गुजारना नसीब हुए हैं और उनकी ज्यारत भी की है, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू भी की है। हजरत अल्लामा मुफक्किर इस्लाम कमरुज़्ज़मां ख़ान आज़मी हफ़िज़हुल्लाह ने थोड़ा सा हमारा तारुफ भी कराया था। बहरहाल मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनसे मुसाफा किया और उनकी शख्सियत को मैंने देखा, उनकी सोहबत में मैं रहा, उनके दामन की हवा मुझे लगी। मैंने उनकी शख्सियत के बारे में जो पढ़ा है और लोगों से सुना है उसमें से चंद चीज़ें मैं पेश कर देता हूँ कि मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद आई। पहली चीज तो ये कि आप में मैंने हजरत गौसुस्तकलैन सेना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला की जुरत और हिम्मत का अक्स देखा। सुभान चाहे वो सुभान अल्लाह, जैसा कि आपने मुस्तंजिद बिल्लाह के सामने बगैर किसी खौफ के और परवाह किए बगैर एक खलीफे वक्त को आपने टोक दिया, इसी तरीके से आपने जनरल यहया हो या फिर भुट्टो हो या फिर जिया हो, वही कोई भी हो, आपने हुकूमत और उसके तमाम तर ताकत की परवाह किए बगैर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला के मजहर बनकर आपने हक गोई से काम लिया और उस पर इस्तेकामत दिखाई। इसी तरीके से आपकी शख्सियत का पहलू ये भी नुमाया है कि हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह से आलमी सतह का काम लेना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको एक दो नहीं 14 जुबानों पर उबूर अता फरमाया। वाह सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ आप दुनियावी तालीम से भी मालामाल थे और दीनी तालीम में भी आप एक बहुत वसी मुताला शख्सियत थे। कुरान पाक से जो आपको शगफ था और लगाव था उसका क्या कहना। 65 साल तक, तकरीबन 65 साल तक आप तरावी पढ़ाते रहे, शबीना पढ़ाते रहे और तहज्जुद भी जमात के साथ पढ़ाते रहे। वाह, यानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ आप आलिम ही नहीं थे बल्कि आलिम बाअमल थे। नमाज से आपको इतना लगाव था, नमाज से इतनी मोहब्बत थी कि हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मां साहब मद्दज़िल आली फरमाते हैं के वक्त से पहले ही वो तैयार हो जाते थे और अपने साथियों को तैयार करते थे कि वुजू कर लो, नमाज का वक्त आया है। और आप खुद ही इमामत फरमाते थे, कुरान जब आप पढ़ते थे तो दिल मचल जाता था, रूह जुम जाती थी, ऐसा महसूस होता था कि हजरत उब्बे इब्ने काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजहर अतम कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला की जिंदगी का एक बेहतरीन खूबसूरत पहलू यह भी है कि आपने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की औलाद होने का हक अदा कर दिया। जब आपने मुनकरीन खत्म नबूवत को पाकिस्तान की असम्बली से गैर मुस्लिम करार दिया। और आपकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू यह भी है कि आपने कभी भी ये जुमला याद रखने के काबिल है और बड़ा तारीखी जुमला मैं कहने जा रहा हूं कि कौम का सच्चा कायद वो होता है जो जाती मफादात को कुर्बान करता है, कौमी और दीनी मुल्की मजहबी मफादात को तरजीह देता है। वाह। तो आप हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी की जिंदगी को पढ़ेंगे तो आपने जाती मफादात को हमेशा कुर्बान किया। आपके सामने लाखों डॉलर पेश किए गए, वजारतें पेश की गई, आपके सामने गवर्नरी पेश की गई, मगर आपने कभी भी कौम का, जमीर का, दीन का, मजहब का, मसलक का सौदा नहीं फरमाया। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपनी ये 15वीं सदी में, 14वीं सदी के अवाखिर और 15वीं सदी के अवाइल में भी ऐसा शख्स पैदा किया कि हम उसे ये कह सकते हैं कि वो इस दौरे जदीद में पैदा हुए लेकिन वो नमूने असलाफ थे। सुभान। हजरत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह तआला के साहबजादे जरूर थे लेकिन अल्लाह ताला ने आपके अंदर खुद भी
आपकी जाती तौर पर भी अल्लाह ताला ने बेशुमार अनगिनत खूबियों से आपको नवाजा था। आपका सुरीनाम के अंदर आपने सुन्नियत का जो काम किया है वो भी काबिल जिक्र है। इसी तरीके से हालैंड की सरजमीन पर जो आपने काम किया है वो भी हमारी आंखों के सामने है, और अमेरिका की सरजमीन हो या फिर वो बगदाद की सरजमीन हो, हर जगह पर हजरत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुख्तलिफ जहाज से जो दीदी खिदमत अंजाम दी है, सियासी एतबार से हो मजहबी एतबार से हो, वो याद रखने के काबिल है। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हजरत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जहाँ आलिम दीन थे, शरीयत के पाबंद थे, हिर्स और तमा आपके अंदर बिल्कुल नहीं, इस तरीके से तकब्बुर, नखवत, किसी को हकीर समझना, ये सारी चीजों से जहां आप दूर थे वहीं पर आपके अंदर तवक्कुल बहुत बड़ा था, अल्लाह पर भरोसा। चुनांचे जब आपको ये कहा गया कि आप हेड लिस्ट पर हैं और आपको दहशतगर्द मार देंगे, तो आपने कहा था कि हमारी लिस्ट तो 15 शाबान को तैयार हो जाती है, यानी अल्लाह पर ये भरोसा था आपको, इसीलिए आपने कोई सिक्योरिटी अपने साथ नहीं रखी, कोई गार्ड अपने साथ नहीं रखा। ये बड़ी बात होती है जब कराची में जब कराची में एक जमात लेसानी तौर पर क्लाशन कोफ के जरिए लोगों को हरासा कर रही थी, भत्ताखोरी कर रही थी, उस वक्त अगर उस जमात के खिलाफ किसी ने आवाज उठाई है तो शख्सियत का नाम शाह अहमद नूरानी है। और हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला इन तमाम खूबियों के साथ सखी भी थे, उलमा नवाज थे, चुनांचे मुफस्सिर कुरान, शारह बुखारी व मुस्लिम, अल्लामा सईद गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मजमून में लिखते हैं कि तारीख दिमश्क जो 80 जिल्दों में है, अल्लामा यूब साहब तारीख दिमश्क जो 80 जिल्दों में है, और यूके में 300 पाउंड में ये किताब मिलती है। वाह जी, फरमाते हैं कि मुझे इसकी जरूरत थी तो किसी के जरिया हजरत शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के तक पैगाम पहुंचाया, तो हजरत ने इतनी महंगी किताब मुझ तक पहुंचा दी और ये भी पता नहीं चलने दिया कि ये हजरत ने पहुंचाई है। वाह वाह सुभान, मुझे बाद में मालूम हुआ। यहाँ एक बात मुझे याद आ गई है, जब हजरत का इंतकाल हुआ है तो आपके उस विसाल के दिन बहुत ज्यादा लोग जो है वो उस तरफ जाना शुरू हुए, तो आपकी जो बॉडी है उसको लाया गया जहाज में कराची में, तो उस वक्त नमाज जनाजा के लिए लोग वहां से पंजाब से भी चले, कुछ इधर से चले, कुछ वहां से चले, लेकिन नहीं पहुंच सके कुछ लोग और कुछ पहुंचे। तो तारीख का ये सबसे बड़ा जनाजा जो है ये हजरत अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह, ये बहुत बड़ा नमाज जनाजा, बहुत ज्यादा लोगों की तादाद थी, और वहां पता चला आपकी जिंदगी में आपके साथ उठना बैठना हुआ, आपके जो चाहने वाले थे उनके साथ उठना बैठना हुआ, किसी से पता नहीं चला। उनके विसाल के बाद ये पता चला कि 1000 लावारिस लोग जो उस कराची के उस एरिया में थे, बाकी जो बाहर के हैं उनका नहीं पता, दूर दराज में उनका नहीं पता, उस एरिए के 1000 लावारिस लोग थे जिनके वजीफे मुकर्रर थे और आप ही की तरफ से उनकी पूरी पूरी किफालत हो रही, ये उनके जाने के बाद पता चला, उनकी जिंदगी में पता नहीं चला। और उनका हाल ये है कि असेंबली में रहते हुए जब भी उनको कोई पेशकश हुई है तो उन्होंने ठुकरा दी है। और एक बड़ा अजीब वाकया है कि जनरल जियाउल्लाह के दौर में जब लोगों को प्लाट दिए गए और उनको उनकी एक असेंबली बनाई गई, और मुशर्रफ के दौर में लोगों को साथ अपने मिलाने के लिए कुछ ज्यादतियां की गई लोगों पर, सियासतदानों पर, तो जो नहीं मानते थे उनको मुकदमात में फंसाया गया। लेकिन उस वक्त मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह के पास कुछ सरकारी अफिसर आए और उन्होंने कहा कि मौलाना हम आपके पास आए हैं इसलिए कि आपने जो सरकारी तौर पर मुलाकात ली है उसमें से जो प्लाट आपने लिए हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपने कहाँ कौन कौन से लिए हैं और कितने लिए हैं, उसका हिसाब हम उसका एहतिसाब करना चाहते हैं। आपने फरमाया मैं आपको वेलकम करता हूँ, मैं खुश आमदेद कहता हूँ, आप तशरीफ लाए हैं, आपकी खिदमत में ये मेरी गुजारिश है
कि आप जाइए, जाकर उस प्लाट का जो मौलाना रानी के नाम है उसका खेवट नंबर, उसका खसरा नंबर, उसका दू दरबा महल्ले वगैरह ये ले आइए, और जब आप ये ले आएंगे तो मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं, मैं हिसाब दे दूंगा। आप वो लोग चले गए और एक हफ्ते के बाद वापस पलटे, और जब वापस आए तो हाजिर रानी मियाँ के घर आए, आकर सलाम किया तो आपने उनको खुश आमदीद कहा और फरमाया कि हाँ जी तशरीफ लाइए, ले आए आप खसरा नंबर और खेवट नंबर, हुदूद दरबा ले आए प्लाट का। कहने लगे नहीं हुजूर, हम तो माजरत के लिए आए हैं, हम तो हमें आप माफ फरमा दें, हमने जाकर वहां देखा तो वहां लिखा हुआ था कि मौलाना नूरानी साहब को जब पेशकश हुई प्लाट की तो आपने ये कहकर इनकार कर दिया था कि नूरानी अपने अपने मुल्क और कौम की खिदमत पे लौस करेगा, कोई सरकारी तौर पर मुराद नहीं। सवाल, बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। तो इतनी महंगी किताब आलिम दीन को देना, जब मुलाकात हुई तो कहा आपका शुक्रिया कि आपने किताब पेश की, तो आपने पलट के कहा कि नहीं, ये आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी दीनी खिदमत कर सकूं। तो खुलासा ये कलाम ये है कि अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला की शख्सियत में हमारे लिए, आपके लिए, सियासतदानों के लिए और गुरबा के लिए, फुकरा के लिए, उमरा के लिए एक नमूने अमल है कि उनकी जिंदगी को हम पढ़ें और हम अल्लाह पर भरोसा करें, इस्तिगना को अपनाएं, तो इंशाल्लाह हमारे अंदर भी उस जुरत और हिम्मत का कुछ हिस्सा आ सकता है। अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई और आपने हुजूर मियां के कुरान पाक के हवाले से जो जिक्र फरमाया, आपका बड़ा प्यारा अंदाज होता था, कभी वो अंदाज मैंने सुना नहीं किसी से, जब आप अल्लाह का कलाम ये कुरान मजीद पढ़ते तो बड़ा ही उम्दा अंदाज होता आपका, और उस अंदाज को कोशिश करते रहे लेकिन ऐसा कर नहीं सके। जब आप पढ़ते थे तो दिल ये करता था कि आप पढ़ते रहें और हम सुनते रहें और इस अंदाज से पढ़ते, तो जब भी कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ने का वक्त आता तो आप इस तरह इरशाद फरमाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मन वालहु इरशाद फरमाता है, कुल इल्लाहु ममालिक अल्मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तनजिउ अल्मुल्क मिम्मन तशा। आपकी बड़ी ये खूबियां थी कुरान पाक पढ़ने के हवाले से, यानी किस भी मैदान में आपको देखा तो आपने लाजवाब कर दिया, आपने उसका सही हक अदा कर दिया। मैं हजरत किबला मुफ्ती अब्दुल नबी मेहदी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आपने दीनी खिदमत और सियासी, ये असल में मैं सियासी इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को समझ आए, वरना दीन सियासत से जुदा है तो है ही नहीं, दीन सियासत से जुदा नहीं, लेकिन आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि भाई सियासत और चीज है, दीन और चीज है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपकी जो खिदमत हैं वो वही हैं जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा तक पहुंची और फिर खुलाफाए राशिदीन ने जिस अंदाज से ये निजामे हुकूमत कायम किया वही निजामे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जिसको आप नाफज करना चाहते थे और जिसके लिए आपने खिदमात सर अंजाम दी और जिसके लिए आपने असम्बली में 200 सिक्के हैं जो अपने हाथ से लिख कर दी और वो सिक्के जो है वो आइन का हिस्सा बनी। ये अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह की खिदमात हैं जो नाकाबिले फरामोश हैं। हुजूर किबला मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा, आप कुछ इरशाद फरमाएं। हुजूर वाला हजरत मुफ्ती असलम साहब और हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, दोनों हजरात ने माशाल्लाह बड़ी सैर हासिल गुफ्तगु की और इसको जो कहते हैं ना कि समंदर को, दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात थी
कि थोड़े से वक्त में माशाल्लाह बहुत कुछ बयान भी किया और समझा भी दिया। अच्छा, मैं एक रूहानी बात करना चाहूँगा कायदे अहले सुन्नत के हवाले से। जी जी, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने सफरनामे में ये लिखा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने गार के अंदर सुराख में अपने दाएं पांव का अंगूठा डाला था जी, और सांप ने अंदर की तरफ से अंगूठे को काटा था, वहीं से जहर दाखिल हुई थी जी, और वहां एक निशान बन गया था काला सा, चने के बराबर तकरीबन। तो वो निशान जो है तो वो आपकी नस्ल में चला आ रहा है। अच्छा, तो हजरत मुफ्ती साहब ये फरमाते हैं कि मैं कराची गया, मैं हज पे जा रहा था, तो मौलाना शाह अहमद नूरानी वहां मौजूद थे जी जी, तो मैंने मुलाकात की, तो मैंने उनसे पूछा कि आप सिद्दीकी हैं, और मैंने बाज उलमा की कुतुब में ये पढ़ा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल में वो निशान चलता आ रहा है जी। तो हजरत मुफ्ती साहब ने फरमाया कि मैंने जोर दिया, ताकीदन कहा, तो मुझे उन्होंने अंगूठा दिखाया और वो निशान मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब अगली बात ये सुने, चूंकि मैंने वो पढ़ा हुआ था, अब जब साउथ अफ्रीका तशरीफ लाए तो मैंने कहा हजूर मैंने हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सफर नामे में ये चीज पढ़ी है और उन्होंने आपका जिक्र किया है, अब मैं उस निशान की जियारत करना चाहता हूँ। वाह वाह, तो ज्यादा लोग नहीं थे, मैं था और दो लोग और थे जी। तो मोजे पहने हुए थे हजरत ने, सर्दी का मौसम था, तो मुस्कुराए थोड़ा सा और फिर मौजा उतार दिया और दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह उस निशान की मैंने भी जियारत की और मैंने जल्दबाजी करके बुस्सा भी ले डाला, अगर हजरत को ये पसंद नहीं था। वाह वाह, तो ये वो। अच्छा, फिर हजरत ने एक बात समझाई, फरमाया ये निशान तब होता है जब बाप भी सिद्दीकी हो और माँ भी सिद्दीकी हो। अगर फर्ज करो बाप सिद्दीकी है और माँ गैर सिद्दीकी है तो औलाद में वो निशान पैदा नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये एक बड़ी यानी ईमान को ताजा कर देने वाली चीज थी जो हजरत के जिस्म मुबारक पर वो मौजूद थी, और आपका नसब और आपकी जो नस्ल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु से, उसकी शहादत, उसकी गवाही, वो सब उसमें मौजूद थी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हजरत ये मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है, दस्तबोसी का तो मौका अक्सर मिला और हमने दस्तबोसी की हजरत की, और आपकी शान ये है कि जब आपका इंतकाल हुआ है और इस दुनिया से आपने पर्दा फरमाया है, तो मैं और मेरे एक और दोस्त हैं, हम मीरपुर गए और हजरत अल्लामा साहबजादा पीर मोहम्मद अतीकुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी खिदमत में गए और ये अर्ज किया कि हम एक प्रोग्राम रखना चाहते हैं, और प्रोग्राम ये रखना चाहते हैं कि आपका ताज़ीती प्रोग्राम हो और आपका कुछ जिक्र हो जाए, और फिर हम ये चाहते हैं कि इस मिशन को हम जारी रखें, काम करते रहें इस काज पर, ताकि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज की राह हमवार हो सके। तो उसमें वो फरमाने लगे कि वक्त जब बेदार था कम वक्त आंखें सो गईं, वक्त जब बेदार था कम वक्त आंखें सो गईं, और उन्होंने इस बात पर ये कहा कि हम अहले सुन्नत वल जमात जो थे उनके लिए ये जरूरी था कि हर मुमकिन उनके साथ खड़े होते और बहुत बड़ा काम जो है वो हम ले सकते थे, लेकिन
अपने तौर पर जो कुछ भी दुनिया में या ममालिक में या हुकूमती पॉलिसियां होती हैं वो भी, और उसके साथ साथ अवामे अहले सुन्नत का भरपूर अंदाज से उनके साथ न होना, ये भी कमी रही। और कहते हैं कि सो गया जब वक्त, बेदार आंखें हो गई, हमारी आंखें अब बेदार हो रही हैं। मुझे ये एजाज हासिल हुआ है, मैं सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये समझता हूँ, काम भी उनके साथ किया है लेकिन उनके गुसल में शरीक हुआ और गुसल देना ये मेरा कुछ हिस्सा बन गया, मैं इसे अपने लिए निजात का जरिया समझता हूँ। ये अलामा पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला ढांगरी शरीफ, ये उनके लफ्ज है जो मैंने खुद, मेरे साथ उन्होंने बात की, मेरे और के दोस्त अलामा नजीर साहब वो भी उस वक्त शरीफ फरमा थे, तो ये उन्होंने कहा गोया कि इतने बड़े बड़े लोग जो हैं उनको अगर उनके गुसल में शामिल होने का मौका मिला तो उसको भी वो अपने लिए बहुत बड़ा एजाज समझ रहे हैं। अब मैं ज्यादा देर कलाम नहीं करना चाह रहा इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात की पहचान और अहले सुन्नत के हकीकी तर्जुमान और शेरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी तशरीफ फरमा हो चुके हैं और मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। मुझे एक याद है एक मरतबा मीनारे पाकिस्तान में आल पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें कुछ उलमा ने तज़किरा किया और उसमें हमारे जमीयतुल्लाह पाकिस्तान के एक बड़े बुजुर्ग हैं उनके साहबजादे थे, वो भी बड़े नाम वाले हैं, नाम नहीं मैं लेता किसी का, तो उन्होंने एक बात की, वो कहने लगे कि उस वक्त ये बातें चल रही थी कि भाई ये छोड़कर जमात तो इस तरह कर लिया जाए, फलां के साथ चला जाए, यूं कर लिया जाए, वो कर लिया जाए, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उन्होंने कहा, एक शेर पढ़ा उन्होंने, मुझे वो याद है, उसी वक्त सुनकर याद हुआ था, आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा कि हर बात पे राहबर ही को इल्जाम न दो, हर बात पे राहबर ही को इल्जाम न दो, राह दुश्वार है और साथ है नादानों का। यानी कुछ ऐसे लोग भी आपके साथ रहे हैं कि जिनकी नादानियों की वजह से ये जमात जो है वो आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह का जो मौकफ है और हक पर जो डटना है वो तन्हा रहे तब भी उसी अंदाज से रहे और जमात के साथ रहे तब भी उसी अंदाज से रहे, अल्लाह ताला ने आपको ये खूबी अता फरमाई थी। हुजूर किबला शेरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशदी की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आप उनकी दीनी सियासी जिंदगी और जोग्राफियाई से रहते हों या इसकी मजहबी से रहते हों, पाकिस्तान की इस्लाम की उस पर जो उनकी खिदमात हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप उस पर अपने मलकूजात से हमें महजूज फरमाएं और सरफराज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यिबीन व सहाबिल हादीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان الله سبحان الله لكن في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم سبحان الله سبحان الله ثم رضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم الله تعالى جل مجده الكريم في حمد وثناء حضور قائد المرسلين سيد النبيين سيد العالمين إمام الأولين والآخرين جناب محمد مصطفى أحمد مجتبى صلى الله عليه واله واصحابه وبارك وسلم في بارگاه اقدس میں هدیہ درود و سلام کے بعد محترم علامہ
मोहम्मद अय्यूब चिश्ती साहब हाफिज़ाउल्लाह ताला और हजरत मोहतरम अल्लामा मुफ्ती अब्दुल नबी साहब और इस प्रोग्राम को देखने वाले नाजरीन सामेईन सबकी खिदमत में सलामे मसनून व तहियात ज़रूरिया आज इल्म फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम कायदे अहले सुन्नत कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा अल हाफिज़ अल क़ारी अशाह इमाम नूरानी कुद्दसुर अजीज उनकी याद में उनके योम विसाल की निस्बत से ये ऑनलाइन जो प्रोग्राम तरतीब दिया गया है अभी अजीज़म सलमान अशरफ ने रब्ता किया कि मैं भी मुख्तसर वक़्त के लिए हाजिरी दूं तो ये मेरे लिए सादत है कि हज़रत क़ायदे सुन्नत रहमतुल्लाह के बारे में कुछ अर्ज करने की सादत हासिल कर रहा हूं। हज़रत क़ायदे अहले सुन्नत को बचपन से जबकि मेरी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी और ये 1970 की बात कर रहा हूँ मैं, पहली मर्तबा मैंने हज़रत मौलाना की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया, कायदे अहले सुन्नत की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया और 1970 से लेकर यानी 1970 से लेकर जी आप के यौमे विसाल शरीफ जो 2003 में आपका विसाल हुआ तो 1970 से लेकर के साले विसाल तक मेरे ख्याल में कोई साल भी ऐसा नहीं कि जिसमें मुतअद्दद मर्तबा मैंने उनसे मुलाकात और ज़ियारत का शरफ़ हासिल न किया हो। सुभान अल्लाह। और मेरे वालिद मरहूम हज़रत इमामुल असर हाफिज़ुल हदीस सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतन वासिया आप पाकिस्तान के क़याम के बाद उलमाए पाकिस्तान की मरकजी आमला यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसके मेंबर थे और फिर इस हैसियत से आपने सारी जिंदगी मुख्तलिफ मनासिब पर जमीयत उलमाए पाकिस्तान के साथ अमलन काम किया, उसका साथ दिया और 1970 में इलेक्शन में जमीयत उलमाए पाकिस्तान की भरपूर तहरीक
इंतखाबी तहरीक में भी वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिस्सा लिया। गालिबन के 1973 में या 74 में 1973 में खानेवाल के कन्वेंशन में, खानेवाल जामिया इनातिया के कन्वेंशन में हज़रत कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह को जमीयत उलमाए पाकिस्तान की सदारत आपके सुपुर्द की गई और आपका इंतखाब किया गया। सुभान अल्लाह। सब्जी मंडी खानेवाल में ये दारुल उलूम आज भी मौजूद है और वो कन्वेंशन बड़ा एक तारीखी कन्वेंशन था कि जिसमें आपको क़यादत सौंपी गई। उस वक़्त आप कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन थे कराची से, और पार्लिमानी ग्रुप जो जमीयत उलमाए पाकिस्तान का असम्बली में था उसके भी आप चेयरमैन थे, पार्लिमानी लीडर थे जमीयत का, जमीयत के, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के। और ये दौर जमीयत उलमाए पाकिस्तान का बहुत उरूज का दौर है। आपसे कबल हजरत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा हाफिज मोहम्मद कमरुद्दीन साहब सियालवी कुद्दुसुर अजीज अहले सुन्नत व जमात के मुमताज इल्मी रूहानी सियासी समाजी हर एतवार से वो मर्जा की हैसियत रखते थे और रखते हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर गिरामी कदर थे और हजरत ने भी हजरत कायद अहल सुन्नत को ये मनसब सौंपते हुए जो तकरीर फरमाई उसमें यही कहा कि आप चूंकि असम्बली में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर हैं इसलिए ये मनसब भी इंतजामी आपके सुपुर्द किया जाता है। हजरत कायदे अहले सुन्नत जब क़यादत आपके सुपुर्द की गई, इन अकाबिर ने आपको ये मनसब सौंपा और बाकायदा शूरा ने इसकी तौसीक की, यानी बाकायदा एक तंजीमी कानून के मुताबिक आप वोट लेकर जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। आपने उस वक़्त से लेकर तादम आखर कई मरतबा इंतखाबात जब जमाती आपकी टर्म जो है वो पूरी हो जाती अहदेदारान के मनसब की, तो आपने बारहा ये अपने मनसब से इस्तीफा भी दिया और शूरा के इजलास में ये कहा कि मेरी जगह जो आप नया बंदा मुंतखब करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन शूरा ने मुत्तफिका तौर पर हर इजलास में इंतखाबी इजलास में आप ही का इंतखाब किया और ये मनसब जो है आज हम उनके विसाल के कई साल बाद की सूरत हाल को देखकर एक हकीकत का इजहार कर सकते हैं कि जिस अंदाज से उन्होंने इस मनसब को निभाया और जिस तरीके से उन्होंने जमात को फ़ाल किया और जिस खलूस के साथ उन्होंने जमात की दावत को चारों सूबों में बशमूल आज़ाद कश्मीर और गवादर और बल्तिस्तान और गलगित तक इसको पहुंचाया, जिस लिल्लाहियत के साथ, उसकी मिसाल शायद आज के दौर में जबकि वसाइल की फरावानी है और रिजालेकार भी बहुत हैं, डिग्रियां भी बहुत हैं, लेकिन वो जज्बा, वो खलूस, वो लिल्लाहियत जो उन अकाबिर के अंदर मौजूद थी वो आज कहीं नजर नहीं आती।
हजरत कायदे अहले सुन्नत ने जो नहायत एक दूरंदेश बालिग नजर और इंतहाई बासलाहियत शख्सियत थे और जामे उस सिफात शख्सियत थे, तो बयक वक़्त वो एक हाफिज़े कुरान भी थे, आलिम दीन भी थे और मुबल्लिग भी थे, मुदर्रिस भी थे। फिर वो उनको कई जबानों पर उबूर हासिल था और इतने उनको अल्लाह ने कद और कामत अता फरमाई थी कि अगर वो किसी बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में रियासतों के जो प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उनकी मौजूदगी में भी वो बात करते तो उनको अल्लाह ताला ने यह हौसला दिया था कि वो बैन अल-अक़वामी उमूर पर हर तरह की बात बगैर किसी लौमता लायम के और बगैर किसी शख्सियत के से झिझके बगैर वो बात हक बात जो है वो कह सकते थे। इस मुख्तसर गुफ्तगू में उनकी शख्सियत का या उनके काम का इहाता नहीं किया जा सकता और ना ही मैं ये मनसब समझता हूँ कि उनकी ज़ात अक़दस के बारे में मैं कोई ऐसा तज़िया या ऐसा मुहाकमा पेश करूँ, लेकिन उनके लिए कलिमात खैर और उनके महासिन का तज़किरा ये हुजूर नबी अकदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक के ऐन मुताबिक है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, उज़्कुरु महासिना मौताकुम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। कि अपने दुनिया से पर्दा करने वाले बुजुर्गों का, असलाफ का तज़किरा, उनके महासिन का जिक्र किया करो और किसी में अगर कोई ऐब हो भी तो उसका जिक्र ना करो, यानी कुफू अल मसाबीहिम, के बुराइयों का तज़किरा ना करो अगर किसी में हो भी तो। ये मेरा अगर कहने का मतलब ये है कि ये तो हदीस पाक का मफहूम है जो मैं पेश कर रहा हूं जी। और इससे ये मतलब नहीं कि उनको उनमें कोई ऐसा माजल्ला कुबा मौजूद हो जिससे हम आगाह हूं, ऐसा नहीं है। और उनके महासिन जो हैं वो बेशुमार हैं, जो हमें समझ आती है आज और जो जिनका तस्करा हम कर सकते हैं कि आप देखें भैया वक्त वो हाफिज़ो कारी थे, कुराने पाक हर साल तरावी में सुनाते थे और कुरान पाक के कारी थे, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते थे, सफर में हजर में कुरान पाक की तिलावत करते रहते थे। और हर वक्त तबलीग के दौरान कॉन्फ्रेंसों में जिस अंदाज से वो हुस्ने सौत और हुस्ने किरात से कुरान पाक की तिलावत फरमाते, उससे एक दुनिया आगाह है। आज के वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब उनके कुल में मौजूद थे और इन्होंने ये कहा था कि मैं मौलाना श्याम नूरानी की तिलावत से ही सबसे ज़्यादा और पहले मुतासर हुआ हूँ। चूँकि कुल की तकरीब में मैं मौजूद था, मैंने इमरान खान साहब को ये अल्फाज कहते हुए खुद मैंने सुना कि उन्होंने कहा कि मौलाना का अंदाज तिलावत कुरान का जो है मैं मुझे सारी जिंदगी में मैं उससे मुतासर रहा और मुझे बहुत पसंद आया। सुभान अल्लाह। इसके अलावा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उनका कई जुबानों पर उबूर हासिल होना, फिर दरस निज़ामी पर कामिल उनकी दस्तरस होना और हज़रत अल्लामा गुलाम जीलानी मीरठी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस्तादुल उलमा वल फुज़ला हजरत के उस्ताद थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से आपको पढ़ाया और आपने बड़ी मेहनत से उनसे सीखा इस्तेफादा किया। आपके और भी बेशुमार असातिज़ा हैं, लेकिन जिन उस्ताद का बड़े फख्र के साथ आप जिक्र करते थे वो हजरत
उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा गुलाम जिलानी मीठी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फिर आपकी निस्बतें, अभी मुझसे पहले मुझसे आप क़िबला जिक्र फरमा रहे थे, सिद्दीकी थे, और आपको ये फ़ख्र हासिल है कि आप के वालदे गिरामी हज़रत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग़ आज़म, वो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत मौलाना अशाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफ़ा अजल्लो आज़म हैं और आपके मोतमद हैं। इसके अलावा आपके एक ताया जान हज़रत अल्लामा अशाह अहमद मुख्तार सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आला हज़रत के बराए रास्त खलीफा और आपके फैज़ याफ्ता हैं। और आपके एक चचा जान हज़रत अल्लामा नज़ीर अहमद खुजंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा अजल्लो आज़म हैं। यानी आपके वालदे गिरामी, एक ताया जान और एक चचा जान, ये तीन बुजुर्ग एक घर घर में इस पाए के थे कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तीनों को खिलाफत से मुमताज फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आपके बुजुर्ग जो यानी हजरत के जो सुसर हैं हजरत डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह मदनी, जो जिनके वालदे गिरामी कुतुब मदीना हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी आपकी अहलिया मोहतरमा के मरहुमा के दादा जान हैं, और अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह भी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के अजिल्ला खुलफाए किराम में से हैं। एक दुनिया जानती है, तो हजरत कुतुब मदीना और तीन बुजुर्ग उनके घर में, ये भी घर में थे, जाहिर है उनका रिश्ता भी वालिद का रिश्ता था कि आपकी अहलिया मोहतरमा के जब जद हैं, दादा हैं, तो आपके लिए उनका भी मनसब रिश्ता जो है वो बुजुर्ग का रिश्ता है। तो चार हस्तियां उनके करीबी ऐसी थीं कि जो बराए रास्त आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के फैज़ याफ्ता थे। और हज़रत अल्लामा नज़ीर अहमद खुजंदी जो हैं, उनकी निस्बत से मुझे एक बात ऐसी याद आई जो शायद आज तक किसी ने भी तज़किरे में या किसी किताब में भी शायद ये बात बयान ना की गई हो। जी जी। बात है कि मैंने जब इस बात पर गौर किया कि आपके चचा जान जो हैं वो खुजंदी क्यों लिखते हैं अपने नाम के साथ, तो फिर मैंने जब जोग्राफिया देखा तो खुजंद जो है ना, ये एक सूबा है मुल्क ताजिकिस्तान का, सेंट्रल एशिया की जो रियासत ताजिकिस्तान है ना, उसमें खुजंद जो है बिल्कुल उज़्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा का जो रोड जाता है ना ताजिकिस्तान से, दुशंबे से, उस रोड पर तिरमज शहर जो उज़्बेकिस्तान में आता है, तिरमज, तिरमज के बिल्कुल करीब खुजंद शहर है। तो ये खानदान खुजंद से यानी ताजिकिस्तान से ये खानदान हिजरत करके तो इंडिया में वारिद हुआ है, इस लिहाज से हजरत का ताल्लुक जो है वो ताजिकिस्तान से भी था। और फिर जाहिर है कि ताजिकिस्तान में वो किस दौर में आए, चूंकि सिद्दीकी खानदान है लिहाजा उनका मरकज जो है मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा भी है, और वहां से हिजरत करके वो सेंट्रल एशिया में आए, और सेंट्रल एशिया से फिर वो वारिद हिंदुस्तान हुए। इस एतबार से उनकी तबीयत में जो इस्तेकामत थी उसको देखा जा सकता है कि सदियों तक जिनके बुजुर्ग जो है वो सेंट्रल एशिया से ताल्लुक रखते हैं, तो सेंट्रल एशिया का जो किरदार है ना वो इस्लाम के लिए, अहले सुन्नत व जमात के लिए, और खास तौर पर अहले सुन्नत में हनफियत के लिए, वो उलूम कुरानिया हों या उलूम हदीसिया हों या उलूम फिकहिया हों, तमाम तमाम के तमाम जो बुनियादी फनून उलूम हैं उनमें सेंट्रल एशिया के बगैर हमारे पास
बहुत कम हिस्सा रहता है और इलाके के उलमा का या अकाबिर का, ये खास तौर पर काबिले गौर बात है। जी बेशक। तो इन बुजुर्गों ने जो ताबनाक इनका माजी है अपने हाल को उससे जोड़े रखा, इसलिए कि आजम की जो हयात मुबारका है अगर देखें तो वो मशरिक से लेकर मगरब तक, यानी अगर आप गौर फरमाएं तो बहरे हिंद से लेकर उन्होंने ट्रिनिडाड तक, अलास्का तक, मगरब अक्सा मगरब तक और जनूब में अफ्रीका का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसमें हजरत ने कदम रंजा ना फरमाया हो और वहां पे मसाजिद और मदारस की तामीर ना करवाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईस्ट से साउथ तक और फिर साउथ से नॉर्थ तक उन्होंने, यानी कुतुबैन के दरमियान भी और फिर मशारिक व मगारिब में भी तूफानी दौरे किए हैं, जिनको तूफानी दौरे कहा जा सकता है। और फिर उनके हक में एक बहुत बड़ी शहादत मैंने एक बुजुर्ग की पढ़ी है जिसमें वो फरमाते हैं कि उनके दौरे अजीब थे कि जहां पे जाके पानी का जहाज रुकता तो वो अकेले उतर के शहर में चले जाते। और वो फरमाते हैं कि मुझे जहाज के एक कैप्टन ने बताया कि ये आलमे दीन हमारे साथ सफर कर रहे हैं, हमको जिस भी बंदरगाह पर पड़ाव करते हैं ठहरते हैं जी, शहर में अकेले उतर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो इनके साथ सैकड़ों की तादाद में लोग होते हैं, जुलूस की शक्ल में इनको अलविदा कहने आते हैं जी। और जिस शहर में वो उतरे हैं उस शहर में वो मस्जिद का संगे बुनियाद रख के आए हैं। मैंने कनाडा में और अमेरिका में और कई ममालिक में खुद मुशाहिदा किया इस बात का। कनाडा में हजरत ने जिस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा था उस पूरी मस्जिद को म्यूजियम में उन्होंने रखा हुआ है और उस मस्जिद की जगह पे आज कल 5 एकड़ में एक बहुत बड़ा मंसूबा मस्जिद का जो है वो शुरू है, बल्कि वो अपने तकमील के मराहिल में है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लामा शाह मंदरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अकाबिर की इस रिवायत को बरकरार रखा, वो भी ट्रिनिडाड तक और जो है सुरीनाम तक, आपने साउथ अमेरिका में भी, मगरब में भी और अफ्रीका में हर जगह दौरे किए और मुख्तलिफ अदवार में जो जरूरत रही दीन इस्लाम की तबलीग में, मसलन फितना इर्तदाद, कादियानियत हो या दावत दीन, इस तरह न सिर्फ ये कि आपने कॉन्फ्रेंसें, जलसे, इनफरादी मीटिंगें, बल्कि आपने तारीखी तौर पर वहां पे मुनाजरे भी किए उनके साथ और कानूनी जंग भी लड़ी। हॉलैंड के अंदर लोग जानते हैं कि मसाजिद का आपने जो केस है वो अदालत में भी बकायदा लड़ा और आपकी कायम करदा अंजुमनों ने उस केस को जीता। अल्हम्दुलिल्लाह कई मराकज जो हैं वो उनके कब्जे से छुड़ाए और वहां पे आज भी अहले सुन्नत व जमात, हनफी, ब्रेलवी, उलमाए किराम और उनके जो ट्रस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका में अलीमिया कॉलेज और अलीमिया मराकज जो हैं वो मौजूद हैं, जो शाहिद हैं, गवाह हैं आज भी। उन जैसे कहते हैं ना किसी शख्सियत के लिए के उनके काम बोलते हैं, बेशक, बेशक आज भी काम बोल बोल कर बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अर्ज ये है कि अगर हजरत मौलाना की जिंदगी को देखा जाए, हमारे यहाँ मौरूसी तौर पर भी लोगों को बड़े बड़े अलकाब से याद किया जाता है, इज्जत की जाती है किसी बुजुर्ग की औलाद की भी, लेकिन मौलाना इस किस्म के अलकाब से अगर कोई मुलक्कब करता है या समझता है कि वो भी इसी एक रिवायत के तौर पर वो उनके बड़े अलकाब होंगे तो ये बात कतई तौर पर सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि मौलाना
जो है उनकी शख्सियत को अगर देखा जाए तो उनकी शख्सियत को इस एक लफ्ज में बयान किया जा सकता है, काम काम और सिर्फ काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। उन्होंने जितना सफर किया अगर उसको हम जमा करें तो शायद किसी तरह हम उसको जमा ना कर सकें जितना उन्होंने दीन इस्लाम के लिए काम किया है, और उसके लिए काम में जितने सफर किए हैं दुश्वार गुजार। और फिर लुत्फ की बात एक जुमले में सिर्फ बयान करूंगा, आज हम में से मैं नहायत अफसोस से ये बात अर्ज करूंगा कि वो हौसला, तवक्कुल और भरोसा और बेगर्जी और आज कहीं 1-2% भी नजर नहीं आया आपको इस तबके में, के जिसका मैं गवाह हूं। एक एक मकाम पर आपने 30-30, 40-40 मर्तबा दीनी प्रोग्रामों में हाजिरी दी, लाखों के हजारों के इजतिमात में तकरीरें फरमाई, लेकिन हदिया और नजराने में एक पाई भी वसूल नहीं की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये बात अगर किसी को आसान लगती हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करके देखे, इस पे करके देखे, बेशक बेशक ये काम कितना मुश्किल है। तो हजरत ने न सिर्फ ये के 1-2, 10-20, 50 प्रोग्रामों में नहीं या दौरों में नहीं, सारी जिंदगी इस तरह गुजारी है। वाह सुभान अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा ना कि ऐ शमा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस पे तो अपने आप को पिघला देना पड़ता है, बेशक बेशक। लेकिन वो भी किसी ने इसी तरह करा ना कि शमा को मुखातिब तो किया, लेकिन एक और शायर ने जो कहा ना कि शमा शमा की तरह जिए बज़्म-गाह आलम में, खुद जले दीदा अगियार को बीना कर दें। तो वो ऐसी अगर शमा का हवाला दिया जा सकता है तो वो अपने दौर में शमा थे मौलाना शाह नूरानी, और क्यों होते कि आप शमा रिसालत के परवाने थे, और जो शमा रिसालत के परवाने होते हैं सरकार की नजरे करम से वो खुद शमा बनकर जीते हैं, खुद अपने आप को पिघला देते हैं, जला देते हैं, लेकिन अपने चाहने वालों को और माहौल को हमेशा वो अपना आप पिघला कर भी मुनव्वर कर जाते हैं और आंखों को भिजाई दे जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन वो ऐसी हस्ती थे और हैं आज भी, बेशक बेशक। नाज़रीन और सामईन, मैं एक अदना सा मामूली तालिब इल्म हूं और मैंने हजरत की हयात मुबारका में बाज नजरियाती मसाइल में हजरत से इख्तलाफ करके भी देखा, बाकायदा इख्तलाफ करके भी देखा, और फिर इस रवैये को भी मैंने देखा। यानी एक ऐसा मोतकिद उनका जो मुरीद जो कभी आपसे इख्तलाफ ना करता हो, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। मैंने तफहीम के लिए भी और बाद औकात आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मसलक का एक अदना खादिम होने की हैसियत से जमात से मुतालिक बाज अफराद के बयानात और उनके जो इत्तेहादों के सिलसिले में कई दफा तौसीई नजरियात और अहदेदारान के सामने आते थे, उस पर मैंने नकद भी की। लिहाजा मौलाना की बालिग नजरी का और तदब्बुर और तहम्मुल का मैं कई तरह से और लोगों से उनके अकीदतमंदों से ज्यादा आगाह हूं इस बात से, क्योंकि मैंने दोनों रंग एक महज अकीदत के और फिर इख्तलाफ करने के बाद उनसे जो बात हो सकती थी उसका रंग भी देखा है। वाह, इसलिए मैं ये गुजारिश करने में मैं आसानी महसूस करता हूं कि हजरत ने हर रंग में तहकीक के साथ और किताब सुन्नत के मुतालिया के साथ एक ऐसी राह अमल को चुना कि जिस पर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने एक
अखबार का हवाला दिया, बल्कि टुकड़ा मैंने उस अखबार का हजरत की खिदमत में पेश किया जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपने जिन लोगों से हमारा उसूली इख्तलाफ है उनकी इत्तेदा में नमाज अदा की है। हमारा जो मसलकी हवाला है मैं पहले दे चुका हूं, बार बार उसको दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैंने हजरत की खिदमत में वो टुकड़ा खुद पेश किया, यानी एक क्लिप यूज समझ लें या तराशा समझ लें अखबार का, और मैंने कहा कि हजरत ये इसका क्या आखिर जवाब है। फरमाने लगे नामा निगार या अखबार की जो खबर है वो क्या तहकीक में पेश हो सकती है? मैंने कहा जनाब मैं सिर्फ तहकीक के लिए ही अर्ज कर रहा हूं, कोई इस पर फतवा तो नहीं दे रहा, एक खबर है देख। तो इस मौका पर आपने अजरा है तफन्नुन ये भी फरमाया, मुझे फरमाने लगे कि देखो अखबारी लोगों की बात जो है उसकी तो कोई सनद नहीं होती और अखबारियों को मुहद्दिसीन कुछ और समझते हैं। मैंने अर्ज की हुजूर मैंने तहकीक के लिए ही ये बात अर्ज की है, तो मुझे फरमाने लगे देखो असेंबली के साथ जो मुसल्ला बना हुआ है नमाज के लिए सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ कि मैं और मौलाना अजहरी हजरत शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी जबकि आप भी मेंबर कौमी असेंबली थे, तो मुझे कादी अहले सुन्नत ने फरमाया कि मैं और अल्लामा अजहरी वजू बना रहे थे और जमीयत उलमाए इस्लाम के जो पार्लिमानी लीडर थे वो मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए, हम दोनों ने इतना वक्त वजू किया कि जमात उनकी खत्म हो गई और जब हम दाखिल हुए नमाज के लिए दोनों तो दीगर मेंबरान जो वहां मौजूद थे कुछ उलमा थे मुख्तलिफ मसालिक के वो चले गए, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर आप जानते हैं उस दौर में उनके पार्लिमानी लीडर मुफ्ती महमूद थे, तो मुफ्ती महमूद कायदे अहले सुन्नत फरमाने लगे कि वहां बैठे रहे। जब हम दोनों नमाज से फारिग हो गए तो मुफ्ती महमूद आगे बढ़े और मुझे कहा कि हजरत मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा कि क्या गलती हुई? उन्होंने कहा कि मैं जल्दी से मुसल्ले पर चला गया और आप लोग काफी देर तक वजू में मसरूफ रहे, मुझे एहसास हुआ है कि आपने मेरी इक्तदा से बचने के लिए ज्यादा देर आपने वजू में लगा दिया है। तो कादी अहले सुन्नत कहते हैं कि आप ठीक समझ रहे हैं, आपको पता है कि हमारे अकाबिर की तसरियात क्या है। तो मुझे फरमाया कादी अहले सुन्नत ने कि मुफ्ती महमूद ने मुझसे ये कहा कि बस आज ये गलती हुई, आइंदा दो जमातें तो हम यहाँ कराना नहीं चाहते, लिबरल लोग मौजूद हैं वो हमारा मजाक करेंगे, लिहाजा हमारे उलमा को आपकी इक्तदा पर एतराज नहीं है, हमारे अकाबिर को भी बरेलवी उलमा की इक्तदा पर एतराज नहीं था, जैसे कि अनवर शाह कश्मीरी के मलफूजात जो छपे हुए हैं इस वक्त भी अहमद रजा बिजनौरी ने छापे हैं उनके खलीफा ने उसके अंदर भी मौजूद है, और मुकदमा भावलपुर में अनवर शाह कश्मीरी ने कादियानियों के जवाब में भी यही कहा था कि देवबंदी उलमा हमारे अपने बरेलवी उलमा हमारी इक्तदा नहीं करते लेकिन हम उनकी तकफीर नहीं करते, हम उनकी इक्तदा में भी नमाज अदा करते हैं। यानी मौलाना कादी अहले सुन्नत ने जो फरमाया ना कि मुफ्ती महमूद ने मुझे कहा मैंने देखा भी इसको, तो मैंने जाके मलफूजात कश्मीरी में ये हवाला ढूंढ लिया कि बाकायदा रिकॉर्ड पर मौजूद है कि देवबंदी उलमा ने अदालत में भी ये बयान दिया कि हम बरेलवी उलमा की इक्तदा को जायज समझते हैं। तो मुफ्ती महमूद ने ये कहा, तो कायदे अहले सुन्नत ने मुझे फरमाया कि मशदी साहब मैं उस वक्त से पूरा टिनोर असेंबली का और सेनेट के मेम्बरी के दौरान भी मैं
या मेरी अगर मौजूदगी में मौलाना मोहम्मद अली रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो हैदराबाद से कौमी असम्बली के मेंबर थे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के, और हजरत सैयद अल्लामा महमूद अहमद रिज़वी रहमतुल्लाह शारे बुखारी शरीफ के मामू थे वो, हजरत सैयद अबुल बरकात मुफ्ती आजम पाकिस्तान के वो बरादरे निस्बती यानी साले थे और मेंबर थे कौमी असम्बली के। आप फरमाए या अल्लामा अज़हरी या अल्लामा मोहम्मद अली रिज़वी साहब जमात कराए थे, फिर और किसी ने कभी जमात नहीं कराई। और फरमाया ये तराशा तो उसके बेटे के बारे में है, यानी मुफ्ती के महमूद के बेटे के बारे में है कि मैंने उसकी इक्तदा की, जब उनका बाप कभी जुर्रत नहीं करता था तो उसके बेटे को ये जुर्रत कब हुई कि मेरे सामने वो खड़ा हो और जमात कराए। इसलिए इस बात की कोई हकीकत नहीं है। तब मैंने अर्ज किया कि हजरत जब ये अखबार में खबर आई है तो जमात के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं या कोई हैं तो उनको इसके इस की वजाहत कर देनी चाहिए थी कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, ताकि सवाल ताक की नौबत ना आती। मैंने ये वाक्या सिर्फ इसलिए अर्ज किया आपके सामने कि आज के दौर में जो लोग क़यादत संभाले बैठे हैं और बज़ाम खेश वो एक सनद का दर्जा पाने की अपने आप को समझते हैं कि हम मर्जा हैं, आज उनको भी ये मैं समझता हूं अजीमत क्या कहूं, ये फर्ज पूरा नहीं कर रहे। अच्छा, वो फर्ज भी पूरा नहीं कर पाते ये कि किसी तरह वो इसका अपनी जो अकायद हैं अकाबिर के उससे वो जुड़े रहें और अपना अकीदा जो है उसकी हिफाजत कर पाए। तो हजरत अल्लामा साहब, मैं मुख्तसर करते हुए ये बात अर्ज करता हूँ हर पहलू से लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, बेतमा, फिर उन्होंने हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया, दुश्नाम भी दी लोगों ने उसको भी बर्दाश्त किया, और मुझे वो वाकया भी याद है कि जब लाहौर में एक पीपल्स पार्टी के दौर में तारिक वहीद भट्ट नामी एक शख्स ने जो मौलाना पर हमला किया अपने गुंडों के साथ मिलकर, और फिर वो वक़्त भी याद है कि जब उसकी वालदा कृष्ण नगर में जमीयत उलमाए पाकिस्तान के दफ्तर में माफी की खासगार हुई और बेटे को साथ लाई, और हम बच्चे थे, हमने उस माई से पूछा कि आप इसको साथ लेकर माफी मांगने क्यों आई हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने तारिक से ये पूछा था, अखबारात में ये खबर आई है तुमने मौलाना शामन रूरानी पर हमला किया है। उसने कहा हाँ, वो हमारी जमात के खिलाफ बोलते हैं। तो उस भाई ने कहा कि मैंने उसको कहा बदबख्ता वो तो आलम दीन है, जब कोई खिलाफ इस्लाम बात सुनेंगे देखेंगे तो खिलाफ बोलने का हक है उनको, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि तेरी माँ हजरत गौस पाक की नौकर है उनको। बेशक, बेशक। और मौलाना शामंदुरानी का बाप और मौलाना शामंदुरानी उस वाह ऐसी उस बारगाह में मोहब्बत रखने वाले और उनके मसलक और उनके तरीके के अलंबरदार हैं। तो उस माई के मुंह से मैंने ये बात खुद अपने कानों से सुनी, उस बूढ़ी औरत ने रोते हुए ये कहा कि मैंने इसको मिस्री शाह से लेकर आई हूं, रास्ते भर में मारती रही हूं इसको, और इसको कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, इस शख्स को बारगाह गौसियत में जो मकाम है हासिल है और जिस तरह ये अलम उठाए हुए हैं औलिया की अजमत का, हमारा हक तो ये बनता है कि हम इनको अपने दिल में जगह दें, सर आंखों पर जगह दें, और तेरे ये तो मत लगी हुई हो कि तू उन पर हमला आवर हुआ है तो मैं तुझे कभी दूध नहीं बख्श सकती और मैं तेरे साथ राजी नहीं हो सकती, क्यों ये तो बहुत बड़ा कलंक है हमारे माथे पर। तो फिर जब उन्होंने इस लफ्ज का इजहार किया तो कायद अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया आपने जो कुछ कहा इसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, हमने माफ किया और कोई इस पर हम कानूनी कार्रवाई भी नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है
कि जब हवाला आ जाए सरकारों का और निस्बत की बात आ जाए तो हमारे तो जिस्म का एक एक पुर्जा भी कोई उड़ा दे तो हम उसको माफ करने के लिए तैयार हैं। इस एतबार से जब हम देखते हैं तो खुलूस इलाहियत और फनाइयत, और फिर आप अंदाजा फरमाएं कि ऐसा गैरत का जो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का के खुलफा का तरबियत याफ्ता बंदा और इज्जत नफ्स जिसकी कि दुनिया में कोई उंगली उठा नहीं सकता उनकी तरफ, ऐसे शख्स दिल में इतनी नरमी भी रखता है कि अफ़व से काम लिया, दरगुजर से काम लिया, और इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी तंजीमों ने गोलियां चलाईं। और फिर उस दौर में 1970 में तहरीक के दौरान आपको पता है कि वो गड़ी खैरू में सिंध का गर्म तरीन मकाम जहाँ पे आज भी जिला जैकबाबाद और फिर उसकी गड़ी खैरू जेल में आपको बंद रखा गया, हर तरह से आपने इस्तेकामत का मुजाहरा फरमाया। मुख्तसर नशिस्त में ये सब बातें मुश्किल हैं। आखिरी बात हज़रत अल्लामा अब्दुस्सत्तार खान नियाज़ी मुजाहिद मिल्लत जो आपके रफीक रहे उनकी अर्ज करता हूँ कि एक बहुत बड़ी पेशकश माहदुर रशीद अर रशीद फुंदक अर रशीद बगदाद की बात वो बयान करते हैं कि किसी मुल्क के सफीर ने उनको कश्मीर और फलस्तीन के पर एक कांग्रेस में जब आप नुमाइंदगी फरमा रहे थे बगदाद श्री में तो ये पेशकश की कि हम इन ब्रीफ केसों में बहुत सा माल भर के लाए हैं, अगर कल की इस करारदाद को इस इजलास में आप मुअख्खर कर दें तो करा दें क्योंकि आप उसकी सदारत कर रहे हैं तो आपकी ये खिदमत की जाएगी। साहब फरमाते हैं मैं इस बात का खुद गवाह हूं कि आपने उनकी पेशकश को ना पूरे तौर पर सुना ना उसकी तरफ देखा, बल्कि पांव की ठोकर से लाया हुआ सामान उनको उलट दिया और फरमाया कि तुम लोग जिनकी तरफ से एजेंटी कर रहे हो और आए हो उनको जब इससे इतनी तकलीफ पहुंचती है इसका मतलब है इस काज को इस करारदाद के हो जाने से इतना फायदा भी पहुंचता है, तो मैं मुसलमानों का फायदा रोक ले लूंगा तो फिर मैं अपनी नजरों में और अपने जमीर का वो कैदी बन जाऊंगा कि मेरे लिए जीना भी मुश्किल हो जाएगा और मैं अपने ईमान का चोर बनने के लिए तैयार नहीं हूं ना ही उसकी कोई हूं, इसलिए कि बारगाह नबवी में जिनको कबूलियत हो जाए और आपके खादिमों में जिनका नाम हो जाए तो दुनिया की जरूरत नहीं है। मैं आखिर में सिर्फ एक चुभता हुआ जुमला कहना चाहता हूं कि मौलाना की हयात मुबारक के आखिरी दौर में बहुत से हमारी नौजवान क्यादत ये समझती थी कि शायद मौलाना का जो अंदाज है काम करने का हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, वरना जमातें मकबूल हो जाती और बढ़कर उन्होंने जाकर जनरल जावलाद की शूरा को ज्वाइन कर लिया, उनकी वजारतों को ज्वाइन किया, उनके उनसे बड़े बड़े ओहदे ले लिए, किसी ने जाकर के कोई जुडिशरी में शामिल हो गए जाकर, कोई नजरियाती कौंसिल में शामिल हो गए जाकर, और उन्होंने कहा कि मौलाना का तर्ज अमल इस बेख्तराफ का हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। उन लोगों के जानशीन और उन वो लोग खुद भी आज भी अभी तक अगरचे कमजोर हो चुके हैं मगर जी रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि मौलाना को दुनिया से गए हुए अब बहुत अरसा हो गया है, अब तो आपकी लगामे किसी ने आप रखी ना, यानी आपको का रास्ता किस बेशक बेशक अब जो हया आपकी हयात जमातों की हालत है, अब मुझे बताएं कि आपने अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से किसने कौमी असेंबली का मुंह देखा है, किसी के साथ मर्ज होकर दूसरी जमात में शामिल होकर हो तो मैं उसको उसकी कामयाबी नहीं समझता। जमीयत उलमाए पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से या आपकी अपनी आजाद तंजीम के प्लेटफॉर्म से कौन है जिसने कौमी असेंबली का इजलास अटेंड किया हो, कौन है जिसने सेनेट का मुंह देखा हो, कौन है? बेशक ये हुआ बेशक बेशक हम लोगों ने आप लोगों ने
यानी आपसे मुराद मैं चूंकि समझ रहा हूं कि मैं पूरी दुनिया में जो बैठे अहले सुन्नत व जमात है मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कि आज जरूरत इस अमर की है। ये मेरे कहने के भी मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ ताना देना चाहता हूं, ये बात खुदा की कसम नहीं है। क्यों? उन्हीं अकाबिर ने हमें कुछ सिखाया की रोशनी में। तमाम अहले सुन्नत की आदत से ये बात करना चाहता हूं कि हर आदमी ने जिसको किसी नाम भी आता है तंजीम का तो वो उसका चेयरमैन बन के बैठ जाता है, और इस वक्त इतनी क्यादतें हैं कि पार्टियों में अरकान नहीं है जितनी क्यादतें हैं। मैं उन सब की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा खुदारा हजरत मुजाहिद मिल्लत हजरत कायद अहले सुन्नत हजरत इमाम अहले सुन्नत गजाली जमा हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी, हम उनके अरवाह के सामने भी शर्मिंदा हैं। खुदारा अब भी वक्त है, अपने आप को संभालें और वो किरदार अदा करें कि जो जाती मफाद का ना हो और जाती मुनाफे देखने वाला ना हो, बल्कि जमात के नज्म के लिए और दीन इस्लाम के लिए और अहल सुन्नत व जमात के बोलबाला के लिए मौजूदा दौर में मैं यही कहता हूं कि कायदे अहल सुन्नत की रूह आज भी हमें बुला रही है कि साहिबो अगर मेरी कोई बात थी मैं तो कब्र में चला गया, अब कौन सी चीज है जो तुम्हें मुत्तहिद नहीं होने देती, लिहाजा वाह बेशक बेशक बजा। और मैं इस शेर के साथ गुफ्तगू खत्म करता हूं, और कई सवालिया मेरे पास बातें हैं मगर मैं करना नहीं चाहता इस मीडिया पर, मैं सिर्फ इस बात के पर गुफ्तगू खत्म करूंगा। कायदे अहले सुन्नत को ये खादिम जिसको आपने 2002 में खुद कायदे अहले सुन्नत ने मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का नाज़िम आला मुकर्रर किया और 3000 की शूरा से तौसीक कराई मेरे ओहदे के लिए, मैं हत्तलवसा जो हजरत से किया था उसकी पाबंदी की कोशिश करता हूँ। आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मेरी सेहत में और मेरे वक्त में वो वसत दे कि मैं और ज्यादा तवज्जो के साथ जो उम्मीदें रख के आपने हमें इस काम पर लगाया था उसको करते रहें। लेकिन मैं इस शेर पर गुफ्तगू खत्म करूंगा कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, या रसूला तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा इन्हीं नकुशे अकदाम को हमें अपनाना होगा जो अजीमतों के राही हैं, सिर्फ जज्बाती तकरीरों से कुछ नहीं होगा, दूर अंदेशी की भी जरूरत है। हजरत कायद फरमाते थे इनकलाब के दाई नहीं, हम सिस्टम का हिस्सा हैं। ये रास्ता लंबा जरूर है, रास्ता लंबा जरूर है, कठिन है, दुश्वार है, मगर तसादुम से बचते हुए हमें मोटिवेट करना है, एजुकेशन देनी है और अपने हिस्सा राय देने का हक लेना है असेंबलियों में, इस रास्ते ही जाना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि इनकलाब में तसादुम और तहारुब होता है जिसके साथ पूरे मुल्क के अंदर और पूरी कौम के साथ जंग की कैफियत होती है, और वो फरमाते थे ये रास्ता एक ख्वाब की तरह है, हमें आईनी हदूद में रहते हुए सियासी जिद्दोजहद की जरूरत है, अमली जिद्दोजहद की जरूरत है। ये उन्होंने अगर कोई इस बात को समझे कि मौलाना की शायद मैं तशरीह सही नहीं कर रहा, तो मैं अर्ज करता हूं गुजरांवाला खादिमीन कन्वेंशन में मेरे सवाल के जवाब में हजरत ने ये फरमाया था, ये 1978 की बात कर रहा हूं मैं, 1978 में आकर ने बतौर कारकुन सवाल किया और मुजाहिद मिल्लत और कायदे अहले सुन्नत किबला ने ये जवाब इरशाद फरमाया था। जो जो लोग सुन रहे हैं पुराने खादिमीन और कारकुनान वो इस मंजर को याद करें अपनी आंखों के सामने, हजरत ने कहा था कि हमें जिद्दोजहद की जरूरत है। और फिर बारहा मैं ये अर्ज करता हूं कि अहले सुन्नत व जमात किसी एहसास कमतरी में न रहो,
ये रास्ता अजीमत का रास्ता है और ये रास्ता इज्जत का रास्ता है। आज भी कहता हूं बेशक बेशक हकीर जान के जिनको बुझा दिया तूने यही चिराग जलेंगे तो होगी। वस्सलाम मालिक राम साहब, अगर मैं ज्यादा वक्त ले गया हूं तो माफी का तलबगार हूं, मजबूरियों की वजह बहुत शुक्रिया पाकिस्तान, वरना हजरत के उर्शरी पर भी हाजिर होता हूं और वाकिफ हाल जानते हैं कि हजरत के नमाज जनाजा के लिए जिस शख्स ने हजरत मोहम्मद हसन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर सफ़े सीधी कराई थी वो भी आहकर की आवाज है जो रेडियो अपना स्पीकर पर गूंज रही थी और आज भी रिकॉर्डिंग में मौजूद है। बेशक वक्त भी उसी नज़म के साथ वहां निश्तर पार्क में आहकर मौजूद था और जो धक्कम पेल हो रही थी उसमें नज्म के लिए पुकारता रहा। आज भी वो सफ़े सीधी कराने में जितना कुछ हो सकता है कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरत मैं जानता हूँ आप ही थे जिन्होंने फरमाया था कि आपके बेटे का हक है कि नमाज जनाजा वो पढ़ाए, वो आप ही थे। सुभान अल्लाह माशा जी। हजरत बहुत शुक्रिया। हमारे अहले सुन्नत की पहचान और शेर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी दामत बरकातुल आलिया वल कुदसिया, आपने बड़े ही उम्दा अंदाज से हजरत अल्लामा इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली और जिस अंदाज से आपने उनके करीब होकर उनके साथ मिलकर काम किया और फिर इख्तिलाफी जो बात आपने फरमाया कि मैंने बाज मामलात पर जिस अंदाज में जितना समझता है वो, लेकिन आप बड़े कद काठ के उसी से उनकी बात फरमाई होगी। और मुझे ये याद है कि आपके बिरादरी ग्रामी हजरत अल्लामा पीर सैयद महफूज शाह साहब मशहदी, आपने एक बार हमें फरमाया एक मीटिंग थी जेलम में, तो उस मीटिंग में तकरीबन कोई 15 से 20 उलमा ही थे, तो उसमें आपने फरमाया था कि कभी कभी हम कायदे अहले सुन्नत की बारगाह में कुछ अपनी राय जो है मिलकर पेश करते हैं कि भाई हजरत काम इस तरह हो जाए, इस तरह अंदाज से हो जाए, तो आप फिर फरमाते हैं कि ये अंदाज ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम कर लेते हैं। तो वो फरमाते थे कि कभी ऐसा होता है कि 10 साल गुजर जाते हैं, 10 साल के बाद फिर बात वही होती है जो कायदे मिल्लत इस्लामिया ने फरमाई होती है, यानी वो बात हमें बाद में 10 साल के बाद समझ में आता है कि जो आपने फरमाया था वही हक था, वही सच था, ऐसा हो गया। इतनी सियासी बसीरत भी आपको अता फरमाई अल्लाह ताला ने। और मैं किबला पीर सईद मोहम्मद इरफान शाह साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने, बड़ा कीमती वक्त था आपका और आपने इस सूरत हाल में जैसे अलालत भी है और इसके बावजूद आपने इतना ज्यादा वक्त निकाला और बड़े ही उम्दा अंदाज से आपकी जिंदगी मुबारक के हवाले से वो पहलू तौर पर डिस्कस आपने डिस्कस फरमाया और उसकी बात फराम की। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उम्र अता फरमाए, आपका साया तादेर सुन्नत पर कायम रखे। और मैं आखिर में हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल नबी हमीदी साहब की खिदमत में अर्ज करूंगा कि आपका जो तबलीगी काम था उस हवाले से किबला शाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से अफ्रीका के मुल्कों में, दीगर मुल्कों में जो फरमाया। एक बात मैंने सुनी थी कि आपके वालदी ग्रामी जो हैं 1,00,000 से ज्यादा या 1,60,000 या 10,000 गालबन मुसलमान आपके हाथ पर हुए, सफीर इस्लाम थे आप हजरत अल्लामा शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह ताला, और कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह आपके हाथ पर भी हक की तादाद में 60,000 गालबन या कमोबेश ने इस्लाम कबूल किया। उस हवाले से आप अपना आखिरी पैगाम जो है वो इरशाद फरमाएं, उसके बाद ये प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हुज्जतुल इस्लाम किबला इरफान शाह साहब मशदी की खिदमत में सलाम मसनून, आपकी यूं ज़ियारत हो गई
रहमतुल्लाह और जज़ाकुमुल्लाह। और सबसे अहम बात यह है कि क़िबला मशहदी साहब ने मज़मून को कमाल अता फरमाया है और कमाल के बाद तो ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, तो हर पहलू से हजरत ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू फरमाई और अफ्रीका के हवाले से भी माशाल्लाह, चूंकि हजरत साउथ अफ्रीका तशरीफ लाते रहते हैं और हजरत को मालूम है कि यहाँ हजरत मौलाना शाह अब्दुल सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और कायद अहल सुन्नत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला अलैह के किस तरह के काम हैं और किस तरह माशाल्लाह उन्होंने तंजीमें बनाई जो आज तक चल रही हैं, मस्जिदों का क़याम, मदरसों का क़याम, यतीम खाने, मुसाफिर खाने, यानी हर वो ज़रूरत जो मुसलमानों को होती थी उसका ज़ेन दिया। बल्कि यहाँ पर केप टाउन में एक बहुत बड़ी मुसलमानों की जमात है जिसको MJC कहते हैं, मुस्लिम जुडिशल काउंसिल। तो ये केप टाउन में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, ये लोग इंडोनेशिया मलेशिया वगैरह से आए थे, शाफी अल मज़हब है अक्सर। तो ये जमात टूट चुकी थी बिल्कुल, थे सुन्नी, आजकल तो खैर बदल गए हैं बहुत सारे। तो 52 में जब हजरत मौलाना शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए तो उन्होंने सब उलमा को इकट्ठा किया और इसकी निशात सानिया की। अब उस वक्त से लेकर अब तक वो तंजीम बड़ी मजबूती के साथ चल रही है और नौजवानों की कई सारी तंजीमें हजरत ने कायम की। तो ये तो बरकात हैं इस खानदान की। और माशाल्लाह वो जो हजरत ने बयान किया ना शाह साहब ने, दारुल उलूम अलीमिया रज़विया अशरफिया, इसकी बुनियाद भी कायदे अहले सुन्नत ने रखी थी। बल्कि कुछ यहाँ पर बिजनेसमैन लोग थे जो सैब हसीयत थे, उनका जहन भी बनाया, फिर उन लोगों ने प्लॉट खरीदा, फिर वो बिल्डिंग बनवाई, फिर हजरत ओपनिंग के लिए तशरीफ लाए थे। तो ये नाम भी हजरत ने ही रखा, माशाल्लाह एक इदारा बना, वहां से बहुत सारे उलमा फारिग हुए, बहुत सारे हुफाज फारिग हुए और अभी तक वो चल रहा है। तो हजरत के इस तरह के काम थे, वो आम ट्रेडिशनल पीरी मुरीदी वाला मामला तो था ही नहीं ना, कि यहाँ ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ लंच करना है तो यहाँ शाम का खाना खाना है और हर जगह पर जो है तो लिफाफे लेने हैं, ये वो सब हजरत इससे बहुत दूर थे। बल्कि आम लोगों से तो तहाइफ लेते ही नहीं थे, लोग बड़ी कोशिश करके बड़े बड़े अमाउंट पेश करते थे, मेरी नज़रों के सामने ऐसा हुआ बहुत मरतबा, हजरत बिल्कुल नहीं लेते थे। तो आपका जो जेन था, दिल जान, वो सब दीन मतीन की खिदमत के लिए वक्फ थी। बावजूद यानी बुढ़ापे के, एक बार तशरीफ लाए, आखिरी बार जब आए साउथ अफ्रीका तो व्हील चेयर पर हम लोग उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नेशनल एयरपोर्ट की तरफ लेके गए, तो चल भी नहीं पा सकते थे और फिर भी वो तशरीफ लाए, अपने कामों के लिए आए, काम किए और सब उलमा को जमा फरमाया, उनके साथ मशवरे किए, उनको ज़ेन दिया, इत्तेहाद की सोच दी, काम करने के तरीके बताए। ये बिल्कुल मफकूद हो चुका है, लोग आते हैं अपनी जो खास विजिट होती है करते हैं चले जाते हैं, लेकिन लोग उलमा को जमा करके उनके मसाइल सुनना और फिर उनको मसाइल का हल देना और फिर अगर कोई बड़े उलमा एक दूसरे से नाराज बैठे हुए हैं उनकी सुलह करवाना ताकि अहले सुन्नत व जमात के मामलों के अंदर रुकावटें ना आए। तो ये इस तरह के काम थे हजरत के। तो वाकई जब उनका टूर होता था ना तो एक चेंज आती थी, एक तब्दीली आती थी, पता चलता था कि कोई शख्स आया है और उसने कोई काम किया है, वरना तो दर्जनों आते हैं चले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता, पता ही नहीं चलता, अपने चंद मोतकदीन के साथ आए, बैठे, खाए पिए, चले गए, दुआएं दी, तावीज़ दिया, जो भी आजकल मामलात हैं। लेकिन कायदे अहले सुन्नत वाकई कायदे अहले सुन्नत थे और सुन्नियत के लिए दर्द था आपके दिल के अंदर, और जहाँ कहीं कमजोरी पाते थे
वहां मजबूत करने की और उठाने की कोशिश करते थे। ये हजरत का ये तबीयत थी हजरत की, यूं समझ लें। यानी कोई होता है ना कि इंसान प्लान करके आए, वो प्लान करने वाला आदमी भूल जाता है, बिजी हो गया, अपने काम छोड़ दे। ये यानी एक्टिंग नहीं थी उनके अंदर, वो जेन्युइन थे। जो ये काम करते थे वो उनके उनकी वजूद का हिस्सा था, उनकी सोच का हिस्सा था। अब इस तरह के कायद मिलना बड़े मुश्किल है वाकई। बेशक बेशक। मैं जनाब मुफ्ती जबकिबला आपका, मुफ्ती मोहम्मद असलम खान साहब नक्शबंदी, मुद्दर अली आपका, और मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन मिसबाही साहब, आप गालबन वो तशरीफ ले जा चुके हैं, उनका भी और इल्म सिटी के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए तह दिल से ख़ास तौर पर हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहता हूँ कि आप एक मिनट में गालबन या एक दो मिनट में नौजवानों को पैगाम दे जाएं कि हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया की जो एक भरपूर जद्दोजहद वाली जिंदगी थी, उस नहज पर, उस तरीके पर ये किस अंदाज से काम करते रहें ताकि ये इस्लाम की कुछ खिदमत कर सकें। नौजवानों को थोड़ा सा पैगाम किबला शाह साहब इरशाद फरमाए, उसी के साथ मैं इजाजत ले रहा हूं, प्रोग्राम उसी के पर खत्म हो जाएगा। जी किबला हज़रत शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी सीरत पाक अमली नमूना है, आपकी सीरत मुबारक अमली नमूना है। काम और काम क्या है वो कुरान पाक ने बयान कर दिया, पाक ने अहकाम दे दिए। किस तरीके पर काम करना है, हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना हुजूर हैं और हुजूर के पाक सहाबा हैं और अहले बैत अतहार हैं। बाद में हर सदी के मुजद्दीन, हमारे अकाबिर जिनको सबीलुल मोमिनीन, जिनके काम को कुरान ने सबीलुल मोमिनीन कहा और हमें उनकी इत्तिबा का हुक्म दिया, वो यत्तबे गैर सबीलुल मोमिनीन, अगर तुमने उन मोमिनीन साबिकीन असलाफ का रास्ता छोड़ के तुम चले तो तुम जहन्नुम का ईंधन बन जाओगे। बेशक बेशक। उनकी इत्तिबा के लिए दलील भी है कुरान पाक में। जो लोग ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत के बाद हमारे पास दलील नहीं या हम किसी को दलील नहीं मानते, उनके लिए यत्तबे गैर सबील मोमिनीन जो है ना, सबील मोमिनीन को छोड़ के जो चले तो वो जहन्नमी बन जाता है। तो जो छोड़ के चले, इत्तबा में चले, तो वो जन्नती होगा ना फिर। और वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, बेशक बेशक, जिसको भी चमते हो कि खालिस लिल्लाह, अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए वो, और दर्द दिल से अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए वो, और दुनिया को अल्लाह की नाराजगी से बचाने के लिए कोशिश कर रहा है और बेतमा कर रहा है, बेसवाल कर रहा है। कि कुरान मुकद्दस ने ये बड़ी निशानी मुबल्लिग की बयान की कि तुम पैरवी करो किन लोगों की, जो तुमसे कुछ इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरम वहुम मुहतदून, उनके तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं है, बेशक बेशक, न सवाल करते हैं, वो हिदायत याफ्ता लोग भी हैं और उनकी पैरवी करना ही लाजिम है। और दुकानदारियों से तो बात नहीं बनेगी, एक ये अजीमत है, अजीमत मुश्किल है ये, लेकिन फिर भी मैं पैगाम उलमा को भी, नाथ खान हजरात को भी, कुर्रा को भी, अवाम अहले इस्लाम को भी और खवास अहले इस्लाम को भी, जो कुछ ना कुछ दाई हैं या दावत दे सकते हैं या तबलीग कर सकते हैं, उनके लिए अर्ज करता हूं कि कायद अहले सुन्नत ने अपनी जिंदगी इसी उसूल पर गुजारी, मुजाहिद मिल्लत गुजारी, इमाम अहले सुन्नत ने जिन
बुजुर्गों को हमने देखा उन पास बैठे, और हजरत शेखुल इस्लाम ने रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये अस्थियां जिस जहां सोजी के साथ और जिगर कावी के साथ खुलूस के साथ, हमने बीमारी में भी इनको काम करते देखा हो, अल्लाह अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। तो आमीन, जो लोग कामयाब होते हैं तो हमें उनके साथ अहद पक्का करना चाहिए, और इस जज्बे को, इस अगर दूसरे लफ्जों में ये कहूं ना कि जो ठंडी लाशें बन गई हैं ना उनमें के अंदर आग भरने के लिए, और ये आग से डरने वाली आग नहीं है, ये वो आग है जिसके लिए आला ने कहा ना जो आग बुझा देगी वो आग लगाई, तो आग लगाई सुभान अल्लाह। आग की मैं बात कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह, जहन्नुम की आग बुझाने वाली आग है ना वो तपस अपने अंदर। तो ये आज मैं खुश हूं कि हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल नबी साहब हमीदी के साथ मेरी मुलाकात इस जरिए हो गई। मौलाना का काम जो उन्होंने किया है अभी ताज़ा इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और जैसे वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, तो ऐसे उलमा भी हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अभी ये लोग ऐसे लोग मौजूद हैं, इसलिए हम मायूस नहीं हैं। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख, बेशक। तो हम रब के फजल से रिश्ता उस्तवार रखते हैं इस बात का कि वो कर्म जारी रखेगा, क्यों कि यही वो तरीका है अहल सुन्ना वल जमा मातुरीदी हनफी का, जिसके लिए उलमा मुत्तफिक हैं कि मिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक व बिही यादिलून। खालिक माने के कयामत तक एक जमात जो है हिदायत याफ्ता लोगों की और अदल वालों की, मैं हमेशा चाहे वो जमात थोड़ी ही होगी लेकिन मैं वो रखूंगा अपनी मखलूक में, जरूर ऐसी जमात जो है कायम रखूंगा। तो ये जमात है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लामा चिश्ती साहब, अल्लामा अब्दुल नबी साहब हमीदी मुद्दज़िल्लहु, इनके वहाँ इदारे में भी साउथ अफ्रीका में मैं हाजिर हुआ था, मुख्तसर मैंने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का असर पेश किया था वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी शागिर्दी, आपकी शागिर्दी में हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, और अहले सुन्नत व जमात के जितने भी मुखलिस दोस्त दुनिया के किसी इलाके में खित्ते में काम कर रहे हैं, मालिक ताला उनके अमल में, किरदार में, इलम में, इलम नाफे, अमल सौले, रिज़्क वासे में बरकतें अता फरमाए, और आमीन, अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाए, बस आमीन। ये है अपने वक्त में हम जितनी जिम्मेदारी है उसमें अपने अकाबिर की रूहों के सामने भी सुरखरू हों, और अपने आखा मौला की बारगाह में इस हाल में चलें उनको, बस उनका वो एक मुस्कराहट से, तबस्सुम से देख लें तो जिंदगी की सारी खुशियां भी दूर हो जाएं, और हमारी जो भी कुछ हम समझते हो कि टूटी फूटी कुछ खिदमत है उसके लिए बस एक तबस्सुम सरकार का काफी है कि आप खुश हो के देख लें कि इन्होंने कुछ अपनी जिंदगी जाया नहीं की है। बस ये सिला की तलब भी नहीं है, आगे वो जाने और उनका अपना करीमाना अंदाज जाने, हमारे खादिमों का यही है कि अपनी जिंदगी में ऐसे तसामों से बचें और सुस्ती से बचें और उन अजीमत वालों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। मालिक ताला गुलामी कबूल करे और मुलाजमत कबूल करे, जो भी नाकारे हम हैं उसके मुताबिक जो भी कर सकते हैं अल्लाह और तौफीकात खैर दे, बरकतें दे, और उलमा सुलहा मुहक्किकीन जितने भी हमारे दावत का काम कर रहे हैं, दावत दीन का, दावत इस्लाम का, अल्लाह ताला उनके कामों में बरकत अता फरमाए, और अहले सुन्नत का बोल बाला फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हजरत क़िबला शाह साहब का, मुफ्ती साहब क़िबला आपका, और दीगर तमाम उलमाए मिल्लत इस्लामिया का जो आज की इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा हुए, और तमाम नाज़रीनों नाज़रात सामईनों सामईआत का
भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल और करम से उन तमाम की इस समाअत को, इस प्रोग्राम में शमूलियत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सब की नेक तमन्नाएं, जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। और आजकल जो वबाएं चल रही हैं, इन कोरोना हो या दीगर वबाई अमराज हो या दूसरी मर्जें हैं, इन तमाम अमराज से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को और सारी उम्मत मुसलमा को, बल्कि सारी मखलूक को अल्लाह ताला महफूज मामून फरमाए। और हुजूर क़िबला शाह साहब के जो आखिरी जुमले हैं उनका खुलासा जो मैं समझा हूँ कि हुजूर पुनूर सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक में हमारे लिए बेहतरीन नमूना उसवा मॉडल है, और फिर आपसे आपके अहले बैत अतहार और फिर सहाबा इकराम और फिर उनसे चलते हुए आयमा उज़्ज़म यानी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, फिर उनसे चलते हुए मुजद्दद अलफसानी तक तशरीफ लाएं, उनसे चलते हुए इमाम अहले सुन्नत हजरत इमाम शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला तक तशरीफ लाएं, और फिर उनसे आगे हजरत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह, फिर हजरत गजाली जमा, फिर आपके वालिद गिरामी हाफिज उल हदीस पीर जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत इलामा इमाम अशा अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी जिंदगी जोहद मुसलसल का एक खास नमूना थी, और इसी तरह मुजाहिद मिल्लत हजरत इलामा अब्दुस्सा खान नियाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दीगर आपके साथी और आप उलमा, आज उनकी जमात के दीगर उलमा, ये तमाम जितने हैं ये सारे पेशवायान दीन हैं और इनकी इहानत दीन की इहानत है, और उलमाए मिल्लत इस्लामिया की इहानत और दीन की इहानत करने वाला जो है दारा इस्लाम से खारिज होता है। मुसलमानों इनकी कदर को पहचानो, और जो आपने पहले कलाम में आखिरी शेर पढ़ा था कि हकीर जानकर जिनको बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, इन्हीं उलमाए मिल्लत इस्लामिया के पीछे आप चलेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे फिर निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा। जब निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा तो दीन और दुनिया की बहारें लाएगा। आप तमाम से शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत लेता हूँ, इल्म सिटी के नौजवानों से भी इजाजत लेता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।